सत्यनारायण सर इस 8 मिनट में बोस वॉज इन एक्शन एज अ लॉग बुक में इसी वक्त एंटर करो. ओके सर. टाइम स्टार्ट्स नाउ. कहाँ हूँ? आप 18 महीने से कोमा में थे. सडनली आपका ब्रेन डेड हो गया था. आप मर गए हैं ये सोचकर आपको मॉर्चरी में रखा हुआ था और पता नहीं कैसे आपके शरीर में फिर से हरकत हुई. इट्स अ मिरेकल. मेरे मेडिकल प्रोफेशन में मैं ऐसा मिरेकल पहली बार देख रहा हूँ. यू आर वेरी लकी. डॉक्टर मेरे माँ बाप कहाँ हैं? खबर कर दिया, वो आते ही होंगे. बेटा, अरे बेटा, बेटा, भगवान तेरी उम्र बढ़ाते. हमने सोचा दोबारा आंख नहीं खोलोगे, लेकिन तुम ठीक हो गए बेटा. ये सब उस ऊपर वाले की कृपा है बेटा. डॉक्टर कौन है ये लोग? क्या कह रहे हैं सर? यही तो आपके माँ बाप है. ये लोग? ये लोग मेरे माँ बाप नहीं है. ये क्या कह रहे हो गोडसे? तुम हमें क्यों नहीं पहचान पा रहे हो? मेरा नाम गोडसे नहीं है, मेरा नाम बोस है. बोस नहीं बेटा, तुम्हारा नाम गोडसे है. तुम्हारे दादाजी नथुराम गोडसे के फॉलोअर थे, इसीलिए तुम्हारे दादाजी ने तुम्हारा ये नाम रखा. क्या है डॉक्टर, ये सिर्फ हमें ही नहीं अपना नाम भी भूल गया. क्या हुआ डॉक्टर, प्लीज कुछ तो जवाब दीजिए. घबराने की बात नहीं, अक्सर जब कोई इतनी लंबी नींद के बाद उठता है तो उसे किसी को भी पहचानना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है. और ये तो पिछले 18 महीनों से कोमा में थे. थोड़े मेडिकेशन के बाद ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे. देयर इज नथिंग टू वरी. सिस्टर, डॉक्टर, ही इज गोइंग अंडर सम स्ट्रेस, गिव हिम सम पेन किलर्स.
काम नहीं किया और मेरा अकाउंट HDFC की जगह ICICI में कैसे हो गया? मेरा ATM पिन नंबर 6150 नमस्ते सर। गोडसे साहब कैसे हैं आप? शाम को मिलेंगे ठीक है? Hey, I'll call you later। अरे गोडसे साहब आप डिस्चार्ज हो गए? अभी कैसे हैं आप? Do you know me? आपको नहीं पहचानूंगी क्या सर? You are the CEO of our company. मुझे चेयरमैन साहब से मिलना है। आइए सर। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। किसी भी हालत में यह कॉन्ट्रैक्ट हमें ही मिलना चाहिए। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस सर। घोड़ से परसों तुम्हें हॉस्पिटल में देखा था। भगवान की कृपा से तुम मेरे पास वापस आ गए। आज मेरे लिए बहुत ही अच्छा दिन है। जाकर अपनी कुर्सी संभाल लो। क्या हुआ कुर्सी? भोसले जी मेरा एक्सीडेंट कैसे हुआ? बीती बातों को अब क्या याद करना? बताइए मेरा एक्सीडेंट कैसे हुआ? अब वो क्या है कि यह सब कुछ हमारे कंपनी के अराइवल बैनर्जी ने किया था। तुमने अपनी कंपनी के 300 करोड़ टर्नओवर को 3000 करोड़ तक पहुंचाकर उसकी कंपनी को गिराया तो उसकी आंखें जलने लगी, इसलिए उसने तुम पर अटैक करवाया। मैंने उस पर केस करके उसे कोर्ट में जब खींचा तो वो डर से फौरन भाग गया। एक मिनट बेटा। हेलो भोसले जी, घोड़से हॉस्पिटल में नहीं मिल रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे डर किस लिए? घोड़से अपनी कंपनी में वापस आ गया है। ये क्या, किसी को बताए बगैर हॉस्पिटल से तुम डायरेक्ट यहाँ आ गए? तुम्हें अपनी कंपनी से बहुत ज्यादा प्यार है। ये सब उस भगवान की कृपा है। अच्छा सुनो, मुझे कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स चेक करने हैं, मैं बस अभी जाकर आया। हेलो सर, गोडसे जी से मिलने उनके पेरेंट्स आए हैं। वो अपने केबिन में ही बैठा हुआ है, उन्हें वहीं भेज दो। आपने उन्हें उनके केबिन में रुकने के लिए कहा था पर वो चले गए हैं। क्या कहा, चला गया? अरे रुकना। Thank you.
अरे ये तो यहाँ बैठी हुई है, आजा थोड़ी सी मस्ती कर ले। आजा बे। ए, छमिया को इधर भेज। ए, कहाना यहाँ भेज। नहीं भेजा तो क्यों रे, ये छमिया तेरी बहन है। ए, अच्छा या बुरा, लड़की का कोई ना कोई नाम होता है। शराफत हो तो सीता या गीता कहकर पुकार सकते हो, और इज्जत देनी हो तो बहन बेटी या माँ कहकर पुकार सकते हो। इस तरह कोई पुकारता है बेवकूफ? औरत की इज्जत करना सीखो। क्या रे, तू कोई भगवान कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त है जो हमें भगवत गीता का पाठ पढ़ा रहा है? भगवत गीता हमेशा युद्ध से पहले सुनाई जाती है। अगर तू दस्तूर बदलने की कोशिश करेगा तो तुझे मरने के बाद सुननी पड़ेगी। बोल, तुझे अभी सुनाऊं या शमशान पहुंचाने के बाद? कहीं ना रास्ता मिले जब कान्हा नाम, वो हर पाप पुण्यों का रखता है हिसाब, वो करुणा कर देगा दिल से काम, जीवन में मोहन मैं सुधा पी ले सब रास्ता देगा कृष्णा भाव रख मन गोपिका। जय जय कृष्ण गोविंद हरे राधे प्रिय गोपाल हरे, कहीं ना रास्ता मिले जब कान्हा नाम, वो हर पाप पुण्यों का रखता है हिसाब। प्यासा गाए नाम हरी, मन आशा की है फुलवारी, सांसों के वृंदावन में बाजे बांसुरी, तन के गोकुल में निस दिन गूंजे है शाम ध्वनि, पनघट नैनों के पुकारे अजार मोहना। जय जय कृष्ण गोविंद हरे राधे प्रिय गोपाल हरे,
राजा प्यारे मोहन तू आ माखन ना के चुरा ले तू। अर्जुन को दिखाए राम बन के सारथी, मैं भी हूँ भटकारा ही चाहूँ तेरा सानिध्य मैं भी, मुझको भी भगवत गीता का दो उपदेश हरी। जय जय कृष्ण मुकुंद हरे, आधे प्रिय गोपाल हरे, जय जय श्रीमान पाल हरे, जय हो रे श्रीमान चले शरीर दुष्ट विनाश हरे, धन हरे कृष्ण हरे, जय हो रे जय हो रे। एए, एए, नो पार्किंग में गाड़ी पार करके सो रहा है, चल बाहर निकल। नाम बता। नेम, माय नेम महाबली। महाबली ब्रदर ऑफ बाहुबली। चालान बनाने के बाद तू पकड़ेगा पतली गली। देखो प्यारे लाल, इसे हैदराबाद बोलते हैं। यहाँ बसों को ब्रेक्स नहीं रहता है, रोड पर स्पीड ब्रेकर्स नहीं रहता है, वैसे टैक्सियों को नो पार्किंग नहीं रहता। नहीं हो जहाँ मेरे बारे में जानकारी लो। आखिर कौन हो तुम? इसी एक क्वेश्चन ने बच्चन को अमिताभ बच्चन बना दिया, बस कंडक्टर को सुपरस्टार रजनीकांत बना दिया। ऐसा क्या? अब मुझे क्या बना देगी मुझे नहीं पता। ये वायलेंट है तो मैं साइलेंट हो जाता हूँ। चलो गाड़ी निकालो। हेलो, चलोगे क्या? श्योर सर, वैसे जाना कहाँ है? बैठो फिर बताता हूँ। मीटर पर एक्स्ट्रा लगेगा। जितना कहोगे दे दूंगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मैनेजर लग रहा है, मेरी तकदीर बनाने वाला टाटा बिरला लग रहा है। बैठिए सर। ठीक है। रुको। क्या हुआ सर? मूड हो रहा है। सर वो मारेगी। सिगरेट पीने का मूड हो रहा है। सिगरेट? मुझे लगा फिगर को देखकर मूड बना। कहां से आया? ए, गाड़ी रुको, गाड़ी रुको। अब क्या हो गया सर? मेरा ध्यान ही नहीं रहा, सॉरी। हम लोग आगे निकल गए, मेरा घर पीछे रह गया। वो देखो वो रहा। लगता है किसी पागल से पाला पड़ा है। क्या पैसे दिए बगैर जाएंगे सर? सर सर। क्या? मेरा पैसा सर। मैं भूल गया था, सॉरी। पर मुझे याद है। हाँ, थैंक यू। चेंज? सॉरी, भूल गया था। लेकिन मुझे अच्छे से याद है। सर, 1000 का चेंज होता तो मैं टैक्सी क्यों चलाता सर? डॉन बन के माफिया गैंग नहीं चलाता था सर? रख लो। फोकट के पैसे नहीं लेता, कुछ काम तो जरूर करूंगा। लाइए ये बैग मुझे दीजिए। माँ, माँ। वो देखिए, माँ जी भी आ गई, हाथों में आरती भी ले आई। घुमाइए। अरे कौन हो तुम लोग? इस तरह तुम लोग घर में कैसे घुस गए? आप कौन है और यहाँ क्या कर रही हैं? मैं कौन हूँ? ये मेरा घर है। सुनिए जी, जरा बाहर तो आइए। क्या हुआ? देखिए ये कौन है? क्या चल रहा है? कौन हो तुम लोग? मुझे भी आपसे यही पूछना है, आप लोग कौन है? मेरे घर में मेरे माँ बाप की जगह आप लोग क्या कर रहे हैं? तुम्हारे माँ बाप हम लोग नहीं है, लेकिन ये घर हमारा है। रॉन्ग एड्रेस पर आए हो, चेक कर लो। मैं इसी घर में पैदा हुआ हूँ। कौन से साल में पैदा हुए थे? 1980 में पैदा हुआ हूँ। जरा बाहर आओ मेरे साथ। देखा तुमने, अब क्या बोलते हो? सर, आप कह रहे हैं कि आप पैदा हुए 1980 में, ये घर बना है 2010 में सर। सर ये घर आपका नहीं है। ओ शिट, माइंड ब्लोइंग। प्रॉपर्टी नो मैचिंग, पर्सन्स नो मैचिंग, क्या है सर ये कंफ्यूजन? यही तो मुझे भी समझ में नहीं आया। मुझे समझ में आ गया। क्या समझ में आ गया सर? महंगे घर पर कब्जा करने वाले गैंग हो तुम लोग। इससे क्यों बात कर रहे हैं? इसी वक्त पुलिस को बुलाइए। नो पुलिस, वो लोग आने तक हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे। सर चलिए आपसे विनती करता हूँ, किसी और के घर को अपना घर क्यों बोल रहे हैं सर? उसे देखिए कितना गुस्सा कर रही है। पुलिस को बुलवा कर हम दोनों को अंदर करवा देगी। चलिए सर यहाँ से। इतना शांत क्यों सर? क्योंकि मैं कुछ बोलता हूँ तो लोग मानते ही नहीं। आप बोलिए सर, मैं मानूंगा। वो जो घर था वो मेरा है। सर मेरी जिंदगी आपके मिलने से पहले बिंदास चल रही थी, आपके आने के बाद डर डर के जीना पड़ रहा है सर। अब तो आप अपने घर की बात छोड़ दीजिए सर।
अब हम जब हम सफर बन गए तो थोड़ी जान पहचान हो जाए तो अच्छी बात है। बाय द वे माय नेम इज महाबली, ब्रदर ऑफ बाहुबली। योर गुड नेम प्लीज। मेरा नाम क्या है, लोग मुझे गोडसे के नाम से बुलाते हैं। ओह, और मुझे लगता है कि मेरा नाम बोस है। मैं आपको क्या बुलाऊं सर? गोडसे का मतलब शूटर, बोस मतलब फाइटर। चॉइस इज योर्स। मुझे शूटर बहुत पसंद है, मैं गोडसे पे फिक्स हो जाता हूँ। वैसे आपका गांव कौन सा है सर? माइंड मुंबई बोल रहा है, लेकिन दिल बोलता है मेरा शहर हैदराबाद है। हर बात पे ये पागल ऑप्शन देता है, इससे जल्दी छुटकारा पाना होगा। स्टॉप स्टॉप, क्या हुआ सर? फिर से आपके माँ बाप दिखाई दिए क्या? अरे नहीं, मेरी लवर दिखाई दी। लवर? तुम कैसी हो महालक्ष्मी? सुनो, अर्जेंटली शेरे पंजाब जाना है, चलोगे? आप साथ चलेंगे तो पंजाब तक जाने को तैयार हूँ। नाटक मत करो, चलो जल्दी। तुम इस तरह मुझे नजरअंदाज करके क्यों चली गई? अरे कौन हो तुम? हा? जोक बहुत हो गया महालक्ष्मी। सीरियसली बता रही हूँ, मेरा नाम महालक्ष्मी नहीं है और तुम कौन हो मुझे नहीं पता। मैं कौन हूँ तुम्हें नहीं पता? मेरी तुमसे फर्स्ट टाइम मुलाकात हो रही है। हम दोनों लवर्स हैं, तुम कैसी बात कर रही हो? शट अप। शट अप कह लो या स्टूपिड कह लो, सच यही है। कैसे समझाऊं, मैं तुम्हें नहीं पहचानती। हमारी कहानी मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ महालक्ष्मी। गोली मामा, ओ गोली मामा, पंक्चर बनाने में कितना टाइम लगेगा? क्या नाम पुकारा तूने? और क्या, तुम्हारा जो नाम है उसी नाम से पुकारा। पंक्चर छोड़ो, तुम्हारी कार ही बेकार है, कोई यहाँ रिपेयर नहीं हो सकती, जाओ। सॉरी राहुल। तुम मेरा नाम हमेशा गलत क्यों बोलते हो? सुबह खाया हुआ याद नहीं रहता, तो तुम्हारा नाम कहाँ से याद रहेगा मामू? राहुल, स्टिल बैचलर सर्चिंग फॉर लवर। आइए दीदी आइए। लाल साड़ी में ये एकदम पटाखा लग रही है ना मामा? ये है भी जबरदस्त पटाखा, जहाँ जाती है बम फोड़ देती है। वो झुका क्यों नहीं? एक सेकंड में वो पोजीशन में आना चाहिए। जी दीदी। घुटनों का ऑपरेशन हुआ है दीदी, इसलिए झुकना बहुत मुश्किल हो रहा है, इस बार एडजस्ट कर लीजिए ना। इस लड़की को यहाँ के सभी लोग झुक झुक कर सलाम कर रहे हैं। ये मैडम यहाँ की कॉर्पोरेटर है क्या? नहीं, जनरेटर है। मतलब पावर देती है क्या? नहीं, लोन देती है। दीदी, आपने इस दुकान के लिए लोन दी, हमारी फैमिली को लाइफ दी, आप लेडी लेजेंड हो दीदी। अब इस रिबन को काट कर मेरी लाइफ सेट कर दो दीदी। ये लो दीदी। वो दान धर्म कर रही है ये सोच रहे हो क्या? जनता को लोन देती है, शातिर तरीके से डॉक्यूमेंट्स में फंसाती है और इसी बहाने लोगों से ज्यादा सूद वसूलती है। अगर लोन नहीं चुकाया तो बोन तोड़ देती है। जिन्होंने लोन लिया है उन पर ये बहुत झुंडाती है, इसके लालच का कोई हद ही नहीं है। इस लड़की के बारे में इतनी परफेक्ट इन्फॉर्मेशन तुम्हें कहाँ से मिली मामा? ठंडी के दिनों में मेरे अंदर के हारमोन्स हारमोनियम बजाने लगे थे, मुझे मूड आया, उससे बचने के लिए मैं गांव गली घूमने लगा, लोनली नहीं रह सका, इसीलिए लोन वाली लक्ष्मी से मिला, लोन लेकर लवर को ढूंढना शुरू कर दिया और उसके बाद। क्या रे, पेमेंट नहीं दिया और इधर आके फ्लर्ट कर रहा है? क्या कहा? तोड़ दो इस 2x2 को। एक मिनट, मारो इसे। लवर नहीं मिली इसीलिए पैसा वापस नहीं किया, इसी बात पर धो डाला मुझे। सबको यही बोल दिया कि बाथरूम में फिसल गया इसीलिए ब्यूटी स्पॉट डैमेज हुआ, मेरे नाक पर मार कर मुझे कहीं का नहीं छोड़ा उसने। चाबी। भांजे भांजे, मेरे जख्मों का बदला तू ही लेना उससे। क्यों खामखा लड़की के साथ पंगा लेना, छोड़ो ना मामा। भांजे, वो राक्षस ही है, कम मत सोचना उसे, इंडस्ट्री के सारे विलेंस की पैकेज डील है वो। अब तुम इतना बोल रहे हो तो ठीक है मामा, इसके लिए कोई प्लान मैन है? तू मान गया, प्लान अपने आप बन जाएगा, ज्यादा कुछ करना नहीं है। एक SMS कर दो उसे कि तुझे लोन चाहिए, एकदम चिपक जाएगी तुझसे। ओके, थैंक्स अ लॉट। इतने लोगों की जिंदगी से खेलेगी तू, तेरे जीमेल को जंक मेल में बदलने के लिए टफ मेल भेज रहा हूँ। ये भी उसमें मिलाकर पैक कर दो। भांजे भांजे। हेलो, मेरा नाम महालक्ष्मी है जी, आपको पर्सनल लोन चाहिए क्या जी? मेरी तिजोरी में बहुत माल है, जरूरत नहीं है, सॉरी।
आप ऐसा क्या करते हैं सर? लोगों की भलाई का काम करता हूँ। ओह, मतलब बिजनेस है आपका? नहीं, जिम्मेदारी। आप बातें बहुत अच्छी करते हैं। टाइम पास करने का टाइम नहीं है, फोन रखता हूँ। फोन कट मत कीजिएगा, एक मिनट बात कर लीजिए ना। आखिर क्यों? आपके वॉइस में जो वाइब्रेशन है, बातों में जो मॉड्यूलेशन है, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हम जरूर पहले कहीं मिल चुके हैं? मैं पहले किसी भी लड़की से नहीं मिला हूँ। क्या बात है, सुपर्ब। तो वो फर्स्ट चांस मुझे क्यों नहीं दे देते? मुझे इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट तो मैं दे दूंगी। क्या दोगी? नहीं नहीं, मेरा मतलब है मैं आपको इंटरेस्टिंग बातें बताऊंगी। लेकिन मुझे इरिटेशन हो रही है। प्लीज प्लीज, अपने साथ कॉफी पीने का एक चांस दे दीजिए ना। फिर उन फीलिंग्स को अपने हार्ट के डिस्क में सेव करके मैं लाइफ लॉन्ग आपकी उन मेमोरीज के साथ जी लूंगी। प्लीज सर। बेसिकली लड़कियों को तकलीफ देना मुझे पसंद नहीं है। अब आप इतना रिक्वेस्ट कर रही हैं तो हम कहीं जाकर कॉफी जरूर पी सकते हैं। ओह यस। शाम को 6 बजे कॉफी शॉप। बस में करने के लिए गुड़िया बन के आ रही है, देख रहा है ना तू भांजे? देख रहा हूँ, देख रहा हूँ। कहीं तू भी उसके जाल में फंस तो नहीं जाएगा? मैं क्या तुम्हें कोई छिछोरा लड़का लगता हूँ मामा? पहले तो स्ट्रिक्ट रहते हो, बाद में स्टिक हो जाते हो। फिर भी तुम जरा कंट्रोल में ही रहना, बहुत डेंजर है। मैं अभी आता हूँ। आप ही महालक्ष्मी है ना? मेरा नाम बॉस। मैं महालक्ष्मी हूँ, आपने कैसे पहचान लिया? इतना सज धज कर आने वाली महालक्ष्मी ही हो सकती है। Just guessing. You're a genius, हाँ जी। Excuse me. Sir, cappuccino coffee. अरे, order देने से पहले ही ये coffee लेकर आ गए? हमारे owner को किस समय क्या चाहिए मुझे पता है। इनकी control में रहने वाला remote control मैं ही हूँ। Owner? आप? Your guess is correct. इस जगह के boss यही है। So nice. Nice to meet you. क्या हो गया जी? आपके हाथ में 440 का करंट है क्या? मेरा ये फर्स्ट टाइम है जी। आज से पहले मैं किसी लड़की को इस तरह रेस्टोरेंट में कभी नहीं मिली हूँ। मैं आपके जैसा नहीं हूँ जी। वो क्या है ना, कभी किसी लड़कियों के साथ बैठकर कॉफी नहीं पी है। बेसिकली मैं थोड़ा शर्मीला हूँ। तो मेरी आँखों में आँखें डालकर बात कीजिए ना, शर्म कम हो जाएगी। क्या हुआ, आँखों में कुछ गया क्या? आपकी तो आँखों में भी करंट है, उन्हें देखते ही झटका लग गया। भांजा तो रोमांटिक निकला। क्या हो गया जी, आप चौंक क्यों गए? कुछ कुछ हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है। आपको देखने से पहले ऐसा लग रहा था जैसे प्लेन में हूँ, आपको देखने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे पैराशूट में लटक रहा हूँ। ओहो, पैराशूट की हवा निकल गई और हम दोनों के बीच का फासला कम हो गया। मुझे भी यही चाहिए था। चलो अच्छा है, अब आपका काम चालू कीजिए ना। उसे तो आपने मना किया ना। मैं तो कॉफी पीने की बात कर रहा था। लेकिन अगर लोन ले लेते तो मेरी मदद हो जाती ना। आप फोर्स करेंगी तो मुझे लेना ही पड़ेगा। लेना कोई गलत बात नहीं है जी। अगर आपको गलत नहीं लगता तो मुझे चलेगा। थैंक यू, जल्दी वापस मिलेंगे। आपके साथ वक्त बिताने के लिए? नहीं नहीं, कॉफी हाउस का बिल बढ़ाने के लिए। वेलकम तो एनी टाइम है जी। टच में रहूंगी। हाँ, आपकी टचिंग का मैं इंतजार करूंगा जी। बाय जी। दीदी दीदी, नाइंसाफी हो गई। चिल्लाओ मत, तुम्हारे साथ जिसने भी नाइंसाफी की है मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। जल्दी बताओ बात क्या है, तुम्हारी शादी करवा के मैं रिसेप्शन भी रखूंगी। अरे नाइंसाफी शादी में नहीं, पैसे की रिकवरी में हुई। क्या है? तो जल्दी बताना बात क्या है। वो गोरा चिट्टा जिसे तुमने 2 लाख रुपए दिए, वो कॉफी शॉप का ओनर नहीं है। लट गए दीदी। आपकी मेहरबानी से मैंने बाइक सीख ली, आजकल बाइक नहीं रहेगा तो लड़कियां लाइक नहीं करती। टिक के साथ आई है, लगता है हमारी जम के धुलाई करेगी। हमारी धुलाई करेगी? हम कोई मैले कपड़े हैं जो धुलाई कर देगी? ऐसा लगता है इस प्लान में तुम भी शामिल हो 2x2। कौन है मामा ये लड़की? अरे रे रे रे, तुम तो छा गए हीरो। ऑस्कर अवार्ड के लिए थोड़ा सा पीछे रह गए। बाप रे बाप रे, क्या बात है। डेविल के आगे ड्रामा मत करो, डॉक्यूमेंट्स मेरे हाथ में दो, अभी इन्हें सबक सिखाती हूँ। ओह नो, क्या बात है, डॉक्यूमेंट्स में सिग्नेचर नहीं दिख रहे दीदी। उस दिन तो साइन किया था ना इसने। किया था उसने, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है दीदी। क्या हो गया भांजे? गायब, इट्स गॉन। इस पेन से लिखी हुई इंक 2 घंटे में गायब हो जाती है मामा। 400 BC करके इस गूगली महालक्ष्मी से धोखा करोगे तो? तुम करो तो व्यापार, हम करे तो गद्दार। तुम दोनों के तो कनेक्शन ही मैं काट डालूंगी। इनको ऐसा मारो कि दोनों को अपनी अपनी नानियां याद आ जाए। मारो इन्हें।
भागो। हटो, क्या कर रही हो? हटो, हटो। छोड़ो इसे, मारने को बोला था, उससे चिपकने क्यों लगे तुम लोग? उसकी खुशबू ने हम पर जादू कर दिया। तुझे क्या लगा बैट से अटैक करेगी तो मैं डर जाऊंगा? अरे नहीं नहीं नहीं, आप पर अटैक कराने के लिए मेरी बुद्धि मारी गई है क्या? फिर आगे का प्लान बता। कुछ टपोरी लोग मुझे लाइन मारते हैं ना, इसलिए ये गेटअप करना पड़ता है सर, वरना मैं तो बहुत सीधी सादी हूँ। तुम तो ब्यूटी ऑफ इंडिया हो ना, तुम्हें तो सिक्योरिटी भी चाहिए। अगर मैं आपको सॉरी बोल दूँ तो क्या आप कॉम्प्रोमाइज करेंगे सर? इस रिक्वेस्ट में ऑनेस्टी नहीं दिखाई दे रही। तो ऑनेस्टी के लिए क्या करना होगा सर? परसों जैसे कॉफी हाउस में एक्टिंग की थी ना, वैसे करके दिखाओ। ये क्या कह रहे हैं आप, छोड़िए ना। हाँ वो क्या है ना, वो जरा तुम्हारा हाथ इधर दो। तुम्हारा हाथ हाथ नहीं, इलेक्ट्रिक का खंभा है। इसी हाथ से कभी कभी पब्लिक की हेल्प भी कर देती हूँ सर, सच कह रही हूँ। हेल्प के नाम पे कुछ और तो नहीं कर रही मैं? कुछ भी करूँ आपको क्या? जिसको जरूरत होती है उसकी आवाज़ ऊंची नहीं होती, वरना जरूरत पूरी नहीं होती। सॉरी सर, मेरे पैसे वापस कर दीजिए ना। जिसके हाथ में सत्ता होती है उसकी एक बॉडी लैंग्वेज होती है, ताड़ के झाड़ की तरह सीधा खड़ा रहता है। सत्ता खोने वाले की बॉडी लैंग्वेज अलग होती है, उसकी रीढ़ की हड्डी टूटी हुई रहती है। अब बताओ तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज क्या है? रीढ़ की हड्डी टूट गई है सर। तुम्हारा एंगल देखने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन पैसा देने का मूड नहीं हो रहा है। सर मूड बनाने के लिए और क्या करना होगा? पब में आना पड़ेगा, मैं दो चार ड्रिंक पीऊंगा और तुम कुछ ठुमके लगा देना। पैसे वसूल करने के मेरे पास और भी कई रास्ते हैं। दीदी दीदी दीदी, अगर पैसा वसूल करना है तो इसकी बात माननी होगी, पब में जाओ ना दीदी। तुम्हें क्या, दीदी जाओ पब में, जो खर्चा होगा उससे मेरा ही तो लॉस होगा। अपना पैसा वापस पाना है तो हमें झुकना पड़ेगा दीदी। हाँ दीदी, जरूरी है क्या? हाँ जरूरी है। जलवा मेरा है बल्ला, जिसने मेरी स्टाइल है देखी, जिसने मेरी स्माइल है देखी, खुश रहे उसके ना बाकी, कुड़ियों से तू पूछ ले। अच्छा भ्रम तूने है पाला, ज्यादा नहीं ये रहने वाला, इनोसेंट हम है नहीं, दे जाने दे ओ छोरा। तुझको नचाऊं तुझको घुमाऊं, मेरे इशारे पे तू भी नाचेगी। ऐसा मैं हूँ खिलाड़ी, मैं हूँ शिकारी, सुन ले ओ पूरी, समझ न अनाड़ी। तू है शिकारी, तू है खिलाड़ी, बातें ये सारी हो जाएगी हमारे। गुलाबी लक्ष्मी, जिलेबी लक्ष्मी, बुंगा मोती दंगा लक्ष्मी, तिंगारा लक्ष्मी, बंकारा लक्ष्मी, लक्ष्मी लक्ष्मी। ये हो यार आसमान में यूं तो उड़ना, ये रख दिल की तमन्ना, मुझे ना उड़ान है तेरी, आजा तू साथी पे। मेरे ख्वाबों में तू है, तू ही आरज़ू, देखूं जहां दिखे तू ही रे रे रे। ऐसा तू है शिकारी, तू है खिलाड़ी, ऐसा बातें ये सारी ही हो जाएगी हमारे। We'll be right back.
चलूं मैं। माना ये मैंने डेंजर है तू, चलती हुई कोई खंजर है तू। रोको रे रोको जा मेरी गई, भूला मैं तो रास्ता वे। फ्लैशबैक की स्टोरी अच्छी प्रिपेयर की है तुमने। लड़कियों को लाइन मारने की ये कोई नई टेक्निक है क्या? महालक्ष्मी, मेरा नाम महालक्ष्मी नहीं है, मंजुला है। और मेरी कोई फाइनेंस कंपनी नहीं है, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। सी माय आई कार्ड। ऑटो। महालक्ष्मी सर, मेरा पैसा चल रहा है। महालक्ष्मी है यार, उसको छोड़िए, मेरी लक्ष्मी मुझे दे दीजिए सर। महालक्ष्मी। अरे सर, महालक्ष्मी। मेरे जैसे क्लेवर को लवर नहीं मिल रही तो इस पागल को लवर है कौन यकीन करेगा? दो पैग अंदर जाएगा तो उसकी सच्चाई बाहर आएगी। बॉल मारेंगे तो क्या होगा सर, पैग मारेंगे तो किक आएगा। इस वक्त कुछ भी पीने का मेरा मूड नहीं है। मूड आने के लिए पीना ही पड़ेगा। महालक्ष्मी को यकीन दिलाने के लिए क्या करना होगा? पीना पड़ेगा, नीट मारना पड़ेगा। अंदर जले हुए ज्वालामुखी को बुझाने की शक्ति इसी से आएगी। आपका छोटा भाई समझ के कह रहा हूँ, थोड़ा सा पी लीजिए सर, प्लीज प्लीज। ठीक है ठीक है, जब तुम इतना रिक्वेस्ट कर ही रहे हो हाँ। तो मैं टेस्ट कर लेता हूँ। हाँ, अच्छा लगेगा। आइए बैठिए, शुरू करते हैं। हाँ। डाला या नहीं डाला, बहुत तेज मालूम पड़ता है। भाई साहब, टेस्ट कर लिया? टेस्ट करने के लिए पूरा एक बॉटल उड़ा दिया, पीने बैठेगा तो पूरा फैक्ट्री पी जाएगा। वैसे असलियत में हुआ क्या, आप मुझे जरा बताएंगे? मैं तुम्हें बेवजह डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। आपके लिए ये छोटू मरने के लिए भी तैयार है भाई साहब, कम ऑन बताइए, कम ऑन। उल्टू पीने वाले हमेशा सच ही बोलते हैं। मुझे भी वही सुनना है भाई। मुंबई से हैदराबाद ट्रेन में आया, सही है ना? यस। ट्रेन से उतरकर सीधे तुम्हारी टैक्सी में बैठा, डबल यस। उसके बाद हम दोनों अच्छे दोस्त बने और साथ में घूम रहे हैं, करेक्ट है ना? ट्रिपल यस। तो फिर तुम्हें क्या लगता है, तुम मुझे भूल सकते हो? आप कोई छोटे कैरेक्टर हो जो भूल जाऊं? जिंदगी भर याद रहोगे। तो फिर महालक्ष्मी मुझे कैसे भूल सकती है? मतलब काजू खाइए, ताकत आएगी। बौखलाहट मुझे पसंद नहीं, सीधे सीधे बताओ, महालक्ष्मी मुझे कैसे भूल सकती है? मुझे क्या पता भाई, मुझे छोड़ दीजिए। बीच रास्ते पर मुझे छोड़कर चली जाएगी तो इस दिल को कैसे संभालूंगा? क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करना चाहिए कुछ पता नहीं। अब कहाँ जा रहे हो महाबली? मेरा टाइम सही नहीं चल रहा है, इसलिए पूजा करने मंदिर जा रहा हूँ। मैं गाड़ी में बैठा हूँ। तुम्हें बुलाया भी किसने? गाड़ी में बैठिए। भगवान की कृपा से तुम फिर से दिख गई। डोंट टॉक रबिश, मेरे पीछे मत पड़ो, कितनी बार बोलना पड़ेगा? मेरे साथ खेल मत खेलो प्लीज महालक्ष्मी। ए मिस्टर, पागल हो गया तुम? पुलिस कंप्लेंट कर दूंगी। तुम आखिर दर्शन अच्छे से हुआ ना? एकाशी गाड़ी स्टार्ट करो, चला। अरे छोड़ो, कोई बचाओ। कंट्रोल रूम, कंट्रोल रूम। मेरी टैक्सी, मेरी टैक्सी, मेरी टैक्सी।
ये खड़ूस यहाँ क्यों है? फाइनली इसने आपको पटा ही लिया ना। मैडम क्या है? इसको लेकर पहले मैं बहुत टेंशन में हूँ, ऊपर से तू मुझे टॉर्चर कर रहा है। कैसा टॉर्चर? आप दोनों मिलकर सेट हो गए हैं ना? अरे यहाँ कोई सेटिंग वेटिंग नहीं है, ये मुझे किडनैप करके ले जा रहा है। किडनैप? अरे संभाल के मेरे भाई। ओके एक बात कहूँ मैं आपसे, इतना तामझाम क्यों कर रहे हो? उनके रिक्वेस्ट को हाँ बोल दीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मैडम ए गोपी, क्या लफड़ा है? कौन है ये? जबरदस्ती अंदर घुसा है मालिक। आप कौन हो जी? माँ, ये पिताजी मुझे पहचान क्यों नहीं रहे? वैसे मैंने भी तुम्हें नहीं पहचाना। तो क्या आप इसके पेरेंट्स नहीं है? अरे क्या मजाक है, हम इसके पेरेंट्स नहीं है। वैसे तुम कौन हो बेटी? मैं इसकी लवर हूँ, ये बोल के मेरे पीछे पड़ा हुआ है और अपने पेरेंट्स से मिलवाकर ये बात साबित करेगा, ऐसा कहकर मुझे यहाँ ले आया। क्या हुआ दीदी, ये है कौन और यहाँ क्या कर रहे हैं? पता नहीं समीर, ये अनजान इंसान मुझे और इनको अपने माँ बाप समझ रहा है। क्या? ये कौन है? तुम शायद कोई गलत एड्रेस पर आ गए हो भाई, रात की पी हुई अब तक उतरी नहीं है क्या? ए, कोई से नींबू पानी दो। वैसे ये बताओ तुम यहाँ आए किस लिए हो? बहन नंदिनी, तुम तो मुझे पहचानती हो ना? नंदिनी यहाँ मुझे कोई पहचानता क्यों नहीं है? बहना इन सबको बताओ ना कि सच क्या है, मैं तुम्हारा भाई हूँ, ये बताओ ना। मामा जी, मामा जी। ए, तूने इसको हाथ लगाने की हिम्मत कैसे की? निकल जा यहाँ से, मुझे घूर क्या रहा है, ऐसा मारूंगा कि अपना नाम तक भूल जाएगा। तेरा चल क्या रहा है? मेरी सर्विस में अब तक मैंने ऐसा फैमिली एंटरटेनमेंट कभी नहीं देखा। मेरा डॉक्टर कहता है, सुनिए आप चाय कम पीजिए, आप चाय कम कर दीजिए, लेकिन तुम्हारी स्टोरी सुनने के बाद इतनी टेंशन हो गई कि चाय पर चाय पीता चला गया, लेकिन बात हजम नहीं हुई। तो मुझ पर बस इतनी मेहरबानी कर कि मुझे सच्चाई का पता चल जाए। सर, इसने जो कुछ भी किया है उस सबका विटनेस है ये टैक्सी वाला। क्या रे, सच है क्या ये? वो क्या है सर, ये मैडम को इसने किडनैप किया ये सच है सर, इन लोगों के घर जाकर झगड़ा किया वो भी सच है सर, लेकिन ये सबका विटनेस मैं हूँ ये सच नहीं है सर। तो फिर हुआ क्या? क्या हुआ, पता चलने से पहले सब कुछ हो गया था सर। सीआई साहब अचानक सुबह हमारे घर आ गया और मेरी भांजी की इज्जत पर हाथ डाला, और जब मैं बीच में आया तो मुझे भी मारा। आप इमीडिएटली इन पर एक्शन लीजिए, वरना मैं सीधा कमिश्नर तक जाऊंगा। हो जाइए, कमिश्नर को कंप्लेंट करेंगे, किसी सीनियर ऑफिसर को रिपोर्ट करेंगे। ये क्या क्या डरा रहे हो मुझे? वैसे भी मेरी परेशानी चाय पीकर खत्म नहीं हुई है। कांस्टेबल संजीव कुमार सर, इन लोगों से कंप्लेंट लेकर इस पर सेक्शन 361 किडनैप का केस लगा, 261 न्यूसेंस का भी केस लगा। अब तो खुश हुए? अब ये लोग कौन है? गोडसे के माँ बाप। ये किसी और को माँ बाप बोलता है, कोई और इसे बेटा बोलता है। जरा फिर से बताओ तो। गोडसे हमारा बेटा है। ओहो, ये ट्विस्ट तो शॉकिंग है, लेकिन फिर भी बहुत इंटरेस्टिंग है। सुना तुमने, तुम्हारे माँ बाप मिल गए, यू आर वेरी लकी। तो आप दोनों कहाँ से आए? हम मुंबई से आए हैं, मेरे बेटे के सर पर मार लगी थी तो हॉस्पिटल में भर्ती किया था। डॉक्टर्स की रिपोर्ट देख लीजिए। थैंक यू। अब क्या समझ में आ गया है? ये भाई साहब अपने माँ बाप से बिछड़कर कहीं पर भी जाकर जो भी रास्ते में मिले उसे अपना माँ बाप समझ रहे हैं। क्यों, यही सच है ना? तुम्हारी बीमारी की वजह से यहाँ सबका टाइम वेस्ट हो गया। नॉनसेंस, अब बातें बहुत हुई, चलो निकलो यहाँ से। बेटा तू कहाँ चला गया था? तुझे पता है मैं कितनी डर गई थी? तू अपनों को छोड़कर इन पराए लोगों के पीछे क्यों पड़ा हुआ है? चलो घर चलते हैं। अब आप लोग ये बेकार की नौटंकी बंद करेंगे? मैं आपका बेटा नहीं हूँ। तेरे नहीं कहने से क्या होता, हमारा रिश्ता थोड़ी खत्म हो जाएगा। क्या तुझे कुछ भी याद नहीं है? ए सुन, जब तू मेरे कोख में था तो मैं बहुत खुश हुई थी ये सोचकर कि तू मेरा सहारा बनेगा, हमें संभालेगा, लेकिन तू तो बदल गया। जिन्होंने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया वो माँ बाप तुझे याद नहीं?
तुझे हमसे शिकायत है तो हमें पहचानने से इनकार कर। लेकिन उस बेचारी का क्या दोष है जो तेरे नाम का मंगलसूत्र पहनकर तेरा इंतजार कर रही है? सारे टेंडर गोडसे की वजह से मुर्गन कंपनी को मिल रहे हैं। मेरी कंपनी कोलैप्स हो जाएगी। ये गोडसे हनीमून से वापस नहीं लौटना चाहिए। तुम्हारी ड्राइविंग तो बहुत अच्छी है। You are an expert. No, romantic. कैसे मानूं? एक बात बताऊं, ड्राइविंग करते वक्त जिसके दोनों हाथ स्टीयरिंग पर हो यानी उसकी शादी नहीं हुई। शादीशुदा हो तो उसका एक ही हाथ स्टीयरिंग पर रहेगा। तब उसका दूसरा हाथ कहाँ होगा? यहाँ। और सोचो अगर दोनों हाथ यहीं रहे तो फिर क्या होगा? एक्सीडेंट होगा और क्या। ये क्या कर रहे हो? इंटरेस्टिंग। इसे कैसे बनाते हैं? इसके लिए जरूरी सामग्री, 1 किलो प्रेम, 1/2 किलो अनुबंध, 60 ग्राम अनुराग, थोड़ा भरोसा, 1 कप केयरिंग, 1 स्पून शेयरिंग
ये सब मिलाकर दिल के बर्तन में डालकर हार्ट के स्टोव पर स्मूथली हीट करोगे तो लव फूड तैयार। अच्छा है ना? आपके हाथों से तो जहर भी अच्छा लगेगा। रितु, तुम्हें पता औरत हमेशा मर्द के बाईं ओर क्यों रहती? क्योंकि दिल इंसान के बाईं ओर रहता है इसलिए। You are wrong. जेब बाईं ओर रहती है ना इसलिए। Hey, stop, stop, stop. क्या हुआ? Go back, go back. इसलिए? सुनिए, जरा आप मेरे हाथ पर गोडसे का नाम लिख देंगे प्लीज? नो नो, नहीं करना रितु। लेकिन क्यों नहीं करूं? तुम बहुत सेंसिटिव हो रितु, तेज हवा से तुम्हें तकलीफ होती है। अगर तुम्हें सुई चुभेगी तो मुझे तकलीफ होगी। तुम चाहो तो ये दर्द मैं सह लेता हूँ। लीजिए। गोडसे, कौन है ये लोग? मैं जिस जोशी कंपनी में काम करता हूँ उसका राइवल ग्रुप। शादी करने के सिर्फ 3 दिन बाद ही वो बेचारी तुझसे दूर हो गई। तब से लेकर आज तक वो तेरी राह देख रही है। रितु, कौन हो मैं नहीं जानता। तुम मुझे नहीं पहचानते। अब कहो कि इस टैटू को भी नहीं पहचानते जिस पर मेरा नाम लिखा है। अब भी तुम्हें मेरी बातों का यकीन नहीं है? नहीं, क्योंकि मुझे जन्म देने वाले असली माँ बाप ये हैं, और ये है मेरी असली माशुका। हे ऊपर वाले, ये तू मेरे साथ क्या मजाक कर रहा है? देखो तो, बच्चा पैदा करके रोड पर छोड़कर हम जैसों को परेशान कर रही है। सुने लड़के, तुम्हारे माँ बाप ये हैं। बेटा, इतनी बेइज्जती होने के बाद तुम यहाँ रहना चाहते हो? चलो हमारे साथ। सिर्फ तुम्हें छू कर बता सकता हूँ कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। ए, तुम मेंटल हो क्या कि याददाश्त खो गई है? जन्म देने वाले माँ बाप को छोड़कर किसी को भी अपना माँ बाप बोल रहे हो? ठीक है, तुम्हारे माँ बाप कौन है ये पता करने का अब एक ही रास्ता है, DNA टेस्ट। अगर उस टेस्ट में ये साबित हो गया कि ये ही तुम्हारे माँ बाप हैं, तो मैं भी मान लूंगी कि मैं ही तुम्हारी लवर हूँ और तुमसे शादी भी करूंगी। क्या तुम तैयार हो? ये क्या पंगा है? अरे वाह, तुम्हारा आइडिया तो बहुत कमाल का है। अब हम ऐसा ही करेंगे। अब पहले हॉस्पिटल लेके जाओ और DNA टेस्ट करवाओ। फाइनली ये पेचीदा केस सॉल्व हो गया।
एक्सक्यूज मी, आप में से भूपति मालती देवी कौन है? हम ही हैं डॉक्टर साहब। डीएनए टेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक ये लड़का आप ही का प्रूफ हुआ है। नो! गुड से बेटा, अब तो हम पर यकीन करेगा। मैडम, इस सच्चाई को हजम करने के लिए उसे थोड़ा सा समय लगेगा। मेरे साथ आइए मिस्टर गोडसे। ये आपकी ब्रेन की मेमोरी सेल्स हैं। आपके सिर में गहरी चोट लगने की वजह से आपके ब्रेन की 70% मेमोरी सेल्स डैमेज हो चुकी हैं और फिलहाल सिर्फ 30% सेल्स ही काम कर रही हैं। इसीलिए आपको कुछ करीबी लोग ही याद रहेंगे और आप कब तक रिकवर करेंगे कुछ कहा नहीं जा सकता। डॉक्टर साहब, बेसिकली हम मुंबई के हैं, लेकिन इसे लगता है कि ये हैदराबाद का है। yes, जबकि हम लोग इसे हमारी मेडिकल टर्म में देजावू कहा जाता है। इसमें किसी नई जगह पर जाने पर भी लगता है कि जैसे हम पहले भी इस जगह पर आ चुके हैं। ठीक उसी तरह किसी इंसान को देखने पर भी ऐसा महसूस होता है कि जैसे हम उसे पहले से पहचानते हैं। ये नेचुरल ह्यूमन ब्रेन का स्वभाव है। आम इंसान में ये 2-3% होता है, जबकि आपके लड़के को 100% है। बाय द वे, आपका बेटा हैदराबाद कभी आया है? बिजनेस के काम से महीने में एक बार ये यहाँ आया करता था डॉक्टर। बस यही प्रॉब्लम है, इनके ब्रेन का मेन ट्रैक इरेज हो गया है और सब ट्रैक ही काम कर रहा है। इसीलिए हैदराबाद और आसपास की जगह और यहाँ के आदमी ही इनको याद है। मुझे लगता है इन मैडम जी और बाकी सबको इन्होंने कभी देखा होगा, इसी कारण से इस तरह बिहेव कर रहे हैं। मिस्टर गोडसे, इस समय आपका ब्रेन जो भी आपसे कहता है उसे नजरअंदाज कर आपको अपने माता पिता की बातों को अमल में लाना चाहिए। महालक्ष्मी, तुमसे एक बार बात कर सकता हूं? ये मेडिकल टेस्ट्स, डीएनए रिपोर्ट्स, ये सब नकारने वाले सच हो सकते हैं। आप लोग जो कह रहे हो वो भी सही हो सकता है। मैं आप लोगों की बातों पर अब यकीन करने लगा हूं। धीरे धीरे सच मेरी समझ में आ रहा है। तुम्हारे लिए मेरा प्यार प्यार नहीं, भ्रम था। देखो, एक सच को 100 बार बोलकर झूठ साबित कर सकते हो, लेकिन एक झूठ को 1000 बार बोलकर भी सच साबित नहीं कर सकते। लेकिन तुम्हारी हालत देखकर मुझे तुम पर तरस आ रहा है। तुम्हारे अंदर सच्चे प्यार की भावना है, हैट्स ऑफ। लेकिन अफसोस कि जिस लड़की को तुम ढूंढ रहे हो वो महालक्ष्मी मैं नहीं हूँ। और देखो, तुम्हारी एक बहुत ही प्यारी पत्नी है, फैमिली है, जो इस प्रॉब्लम में तुम्हारे साथ है। प्लीज मुझे भूल कर मुंबई जाकर अपनी इस प्रॉब्लम की ट्रीटमेंट करवा के एक नॉर्मल इंसान की जिंदगी जियो। मैं तुम्हारे लिए दिल से दुआ करती हूँ। बाय, टेक केयर। बेटा, ट्रीटमेंट के लिए यूएस डॉक्टर से भी पूछा जा रहा है ग्रैंडपा। hey, तूने मुझे मारा क्यों? हे मैन, वेरी फनी, व्हाट आर यू टॉकिंग? तूने मेरे सर पे क्यों मारा? मैंने आपके सर पे कब मारा? आई जस्ट केम फ्रॉम अमेरिका, मेरे ग्रैंडपा के ट्रीटमेंट के लिए आया हूँ। आपको भी फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। तूने मुझे यहाँ मारा, गोल्फ शॉट मारा। मैं कैसे गोल्फ शॉट मारूंगा, मेरा तो एक हाथ ही नहीं है। गोडसे बेटा, गोडसे बेटा, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? उठ जा बेटा, उठ जा। माँ, शब्द सुनने के लिए मेरे कान तरस गए। मुझ में ही कमी है, ये समझ में आ गया। हम लोग मुंबई चले जाते हैं। हम अभी चलेंगे बेटा, अभी चलेंगे।
जा। नंदिनी ये कहां रुक, कहां भागेगी, मेरे पास आ, आजा। किसने मुझे छूने की कोशिश की? तो क्या डाला कमर पे आज, इतनी छोटी सी बात में शोर क्यों मचा रही है? अच्छे खासे मुड़ की फाट लगा दी तुझे, चल मेरे साथ, सीधे से चल वरना जबरदस्ती ले जाऊंगा। देख मैं तुझसे कह रही हूँ, मेरी बेटी का हाथ छोड़ दे, छोड़ उसे। छोड़ दूंगा इसे, 10 मिनट चुप रहे, पहले मुझे इसके साथ थोड़ी मस्ती करनी हो। तू इंसान है या जानवर? आप लोगों को अपने माँ बाप समझ कर मैंने काफी टॉर्चर किया है, इस गलती को सुधारने के लिए आपसे माफी मांगने आया हूँ माँ जी। लेकिन एक बात मैं दावे से कह सकता हूँ कि मेरे आने से पहले यहाँ जरूर कुछ गलत हो रहा था। सॉरी बोल के हो गया, चल निकल, ये मेरी फैमिली का प्रॉब्लम है, समझा तू? फैमिली आप ही की होगी, लेकिन प्रॉब्लम होगा तो कोई भी सॉल्व कर सकता है। तू यहाँ क्या सॉल्व करने आया है? बीच में आकर मूड खराब कर दिया, चल निकल यहाँ से। और क्या राय बे? ए, अगर इस लड़की से तूने कोई जबरदस्ती की तो तुझे पीने के लिए भी पानी नसीब नहीं होगा। ये मेरी प्रॉपर्टी है, इसलिए मेरा इस पर पूरा हक है। औरत कोई संपत्ति नहीं है कि उस पर हक जताया जाए, दुनिया पर शासन करने वाली शक्ति है ये, जो तुझ जैसे शैतान को भी खत्म कर दे। अरे तेरा प्रवचन तेरे पास रखो, निकल यहाँ से। मेरा यहाँ आना ऊपर वाले का फैसला था, लेकिन यहाँ से जाना कब है ये मेरा फैसला होगा। बेटा चलो, हम चलते हैं, चलो। माँ, इनकी बातों में फरेब है, इनकी नजरों में धोखा दिखाई दे रहा है। बेटा चलो, अपनी नजर सीधे रख। बेटा चलो, बेटा चलो, मैंने कहा चलो बेटा, चलो, चलो मेरी बात मानो बेटा। अरे ये क्या, तू जैसा जानवर मेरा भाई नहीं है, जन्म दिया हुआ मेरा बेटा आंखों के सामने पागल बन के घूम रहा है, हमारी वजह से इसकी आज ये हालत हो गई है, इसके लिए अब तक मैं चुप बैठी रही, आज सबके सामने कहती हूँ कि यही मेरा बेटा है। तुम मेरे बॉस हो, तुम कोई कोर्ट से उठते नहीं हो, मेरे बॉस हो, मुझे माफ कर दे बेटा। माँ, तुम मेरा बेटा है, मेरा बेटा। किसी काम की नहीं है, पूरा खेल बिगाड़ दिया तूने। देखो वो यहां से जिंदा ना लौट पाए। उसे बिल्कुल मत छोड़ना भैया, उसे मत छोड़ना। नहीं, भाग यहाँ से। भगा, भगा, जल्दी कर। तो कांटा भी दुख जाए तो बेटा सह नहीं पाता, और तुम मेरी माँ पर हाथ उठाओगे और मैं खामोश खड़ा देखता रहूंगा, काट के रख दूंगा।
ये हाथ तुझे याद है? गो! तेरी मौत मेरे हाथों लिखी है। आजा। मारो उसे। सुलाने के लिए तू क्या, तेरा बाप भी ऊपर से नीचे आएगा ना तो कुछ नहीं कर पाएगा। तुम जैसों से निपटने के लिए ऊपर वाले ने मुझे अलग सी शक्ति दी है। मेरे बदन के किसी भी हिस्से को अगर छूने की कोशिश की तो तेरा दी एंड। क्या हो रहा है वहाँ? युद्ध, युद्ध हो रहा है यहाँ। कौन बोल रहा है? गोड़से उर्फ बॉस। बॉस? यस बॉस, यूनिवर्सल नेम, नो नीड फॉर इंट्रोडक्शन। मैं कौन हूँ पता है? भारद्वाज, चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। तुम्हारी इतनी हिम्मत की सीएम से इस तरह बात करो? तुझसे बात करने के लिए हिम्मत किस लिए? नोकिया में डोकोमो का सिम डालो और चालू हो जाओ। मेरा नेटवर्क तुझे नहीं पता। तेरा फ्यूचर क्या है ये मुझे पता है। तेरा तो खून बहेगा। वो छोड़, मैं यहाँ खून की नदी बहाने जा रहा हूँ। जानता है क्या कर रहा है? सब किताब बराबर करने जा रहा हूँ। तू अकेला है बच्चे। लेकिन 100 पर भारी हूँ। मेरा टारगेट नहीं छूटता। अबे तेरे टारगेट की ऐसी की तैसी। 3 किलोमीटर तक मेरी सिक्योरिटी है। कहीं भी छुप जा, ढूंढ निकालूंगा। आएगा तो मरेगा। सुभाष चंद्र बोस की डेथ डेट नहीं है, इस बॉस का भी कुछ ऐसा ही है। आ रहा हूँ। आना तू। तो खुशकिस्मत है कि तू अपने चमचों के मरने की चीखें सुन रहा है। तेरा मरना तो कंफर्म है। जिसे याद करना है कर ले, क्योंकि तुझे बचाने के लिए तेरा बाप भारद्वाज भी यहाँ नहीं पहुँच पाएगा। बी रेडी टू फेस। एक इंसान को पागल बनाने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया। कोशिश की कि वो अपने अस्तित्व को ही भूल जाए। सक्सेस मेरे कदम चूमने ही वाली थी कि मेरे एक प्यादे की हवस की वजह से सारा प्लान चौपट हो गया। ऐसी समस्या तुम्हारे लिए कोई नई बात नहीं है भारद्वाज। बाय द वे, ट्राइमैक्स कंपनी वाले अपने फार्म हाउस में हमारा वेट कर रहे हैं। तुम आगे चलो, मैं बाद में आता हूँ। अल्फा टू चार्ली, ऑल सिस्टम टारगेट मूविंग, ऑल स्टेशन अलर्ट। Security alert, jumbling 2 and 4.
Gemlinks 3 and 5. Okay, man. Jumbling all cars. भांजे, मैं एंटर हो गया हूँ। अब बता सीएम किस कार में है? बताता हूँ मामा। सिक्योरिटी अलर्ट, स्टेप डाउन रोड। मामा सीएम सेकंड कार में। इतना परफेक्टली कैसे बता सकते हो तुम? एक वीआईपी की कार को चलाने वाले ड्राइवर को थोड़ा टेंशन रहेगा, मेरी गेसिंग यही कहती है। Security alert, near farmhouse road, jumbling all cars. Mama, मैं first position पर जा रहा हूँ, तुम third position ले लो. Okay, भाग जाए. Mama, slow down. Okay, भाग जाए. All cars, stop! Sim is missing. Jao, dhundo. Come on, move! मोबाइल पर बहस करना मुझे पसंद नहीं है, अपनी आदत है डायरेक्ट अटैक। तुझे होश भी है, तू क्या कर रहा है? ड्राइविंग किया। रॉन्ग रूट पर जाने वालों को मेरे सही रूट का सिर्फ एक सैंपल दिखाया है। चारों तरफ 3 किलोमीटर तक तेरी सिक्योरिटी है ना, तेरे साये को भी कोई टच नहीं कर सकता ना। मैं तुझे 3 किलोमीटर नहीं 3 फुट के फासले पर ले आया, क्यों पसीने छूट रहे हैं? तेरी कहानी से शुरू करके मेरी कहानी पर खत्म करेगा या मेरी कहानी से शुरू करके तेरी कहानी पर खत्म करेगा? कुछ समय पहले राष्ट्र के मुख्यमंत्री सीवियर हार्ट अटैक की वजह से हॉस्पिटल में भर्ती हो गए हैं। हार्ट स्ट्रोक की वजह से उन्हें हॉस्पिटल में लाया गया है। उनके बारे में जैसे ही हमें कोई ताज़ा खबर मिलती है हम आपको बताते रहेंगे। सीएम को मिलने के लिए बड़े बड़े वीआईपी कतार में खड़े हैं, लेकिन उनके बेटे और करीबी रिश्तेदारों के अलावा किसी को मिलने की इजाज़त नहीं है। उन्हें कड़ी सुरक्षा में रखा गया है। डॉक्टर, भाई साहब का क्या हाल है? अब उनकी कंडीशन आउट ऑफ डेंजर है। उनको जो स्ट्रोक आया था वो बहुत ही मैसिव स्ट्रोक था। वो उस वक्त तो उन्होंने सह लिया, लेकिन अब उनका हार्ट वीक हो चुका है। अगर ऐसा स्ट्रोक दोबारा आया तो उनका बचना मुश्किल है।
कोई टेंशन वाली बात उनके कान में कभी ना पहुंचे इस बात का ख्याल रखिएगा। उन्हें क्या एक बार देख सकता हूँ? Why not? Sure. अरे भाई साहब ये क्या हो गया? आज नहीं तो कल ये दिन आना ही था। मुझे अपनी नहीं जनता की फिक्र सता रही है। जनता की बहुत सारी समस्याएं हैं। वो सब बाद में देखेंगे, पहले आराम कर लो। अगर इन्हें फिर से स्ट्रोक आया तो जीना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन स्ट्रोक तो आएगा ही। सीवियर हार्ट अटैक आने की वजह से हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को इस हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। हमें बताते हुए अफसोस हो रहा है कि दोबारा हार्ट अटैक आने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई है। उनका अंतिम संस्कार करने के लिए उनके बेटे उन्हें घर ले जा रहे हैं। उनका दर्शन करने के लिए पूरा शहर उमड़ उठा है। हमारी पार्टी और स्टेट के लिए मेहनत करने वाले हमारे भाई साहब का देहांत सबके लिए बड़े दुख की बात है। जनता को उनसे बहुत सारी उम्मीदें थी। उनकी उम्मीदें अब सच करेंगे हमारे भारद्वाज जी। उनके स्थान पर अब मैं इनको बिठाना चाहूंगा। भारद्वाज जी आइए। नमस्ते भारद्वाज जी, मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वैसे तो इनकी स्वाभाविक मौत है, पर पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं मान रहा। हर चीज पे नजर रखने वाले अपोजिशन के लोग कल कोई बखेड़ा ना खड़ा करें, हम सीबीआई इंक्वायरी करवा लेते हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस फाइल पे सबसे पहले मेरा दस्तखत होगा। जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। आई एम प्राउड ऑफ यू। बहुत मेहनत से मिली है तुम्हें ये सीट, इसे संभालना। इस सीट से मुझे हिलाने वाला ना है ना आएगा। सीबीआई, अंदर किले में मालिक की बहुत बड़ी पूजा चल रही है। तुम चाहते हो कि उसमें तुम्हारी समाधि की भी पूजा की जाए? चले जाओ। सत्यनारायण। यस सर। हम लोग गेट के पास कितने बजे आए? बराबर 9 बजे सर। ये मेरे सामने कितने बजे आया? 9:02 पर सर। तो एक काम करो, 9:02 से लेकर 9:12 तक बॉस मिसिंग इन एक्शन ऐसा लॉग बुक में एंट्री अभी कभी करो। ओके सर। लगता है मेरी बात तुम समझे नहीं। कुछ लोग मारेंगे तो एक्सरे में दिखाई देगा और कुछ लोग मारेंगे तो स्कैनिंग में दिखाई देगा। अगर मैं मारूंगा तो हिस्ट्री में सुनाई देगा। सत्यनारायण, और कितना टाइम बाकी है? 5 सेकंड सर। परफेक्ट टाइमिंग सर। सर आप कहें तो रेड शुरू करें। फर्स्ट प्रे टू द गॉड, नेक्स्ट प्रिपेयर फॉर द रेड। साहब, इस हवन से आपके परिवार में समृद्धि, शुभ लाभ, सुख शांति आएगी, शत्रुओं का नाश होगा, आपको संपूर्ण ऐश्वर्य प्राप्त हो, इसके लिए माता जी के। पंडित जी जरा रुक जाइए, ऐश्वर्य की जरूरत नहीं है, चाहे तो मैं ही भगवान को दे देता हूँ। आप आयुष्मान भव कह सकते हैं। आपके लिए आयुष्य मांगना बेकार है, किसको कितना देना है ये भगवान निर्णय कर चुका है। तुम ज्यादा बात कर रहे हो। तुझे दिया हुआ टाइम एक्सेस हो गया है। स्टार्ट द रेड। पेउन से लेकर चीफ मिनिस्टर तक सब मेरा पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। मुझसे कोई ऊंची आवाज में बात नहीं करता।
घर में दीपक जलता है वहाँ धुआं छोड़ना ठीक नहीं। बेसिकली मैं एक स्मोकर हूँ। बचपन में पढ़ाई की, जवानी में ऐश किया, लेकिन एक लिमिट तक। साथ ही साथ अच्छी आदतें भी अपनाई। तू भी अपना ले। मेरा हुक्म यहाँ का कानून बन जाता है। तेरी औकात क्या है? तू है कौन जो मुझे सिखा रहा है? मेरे बारे में सब कुछ पता करने के बाद ही तुझे इस किले में कदम रखना था। कदम रखने के लिए इन्विटेशन की जरूरत नहीं है, इन्फॉर्मेशन काफी है। मेरी कहानियाँ तुम्हें यहाँ की जनता से पूछनी चाहिए, सब जान जाओगे। कौन सी चंदा मामा की कहानी है बे? साक्षात श्री कृष्ण भगवान मेरे रूप में फिर से जन्म लिए हैं, ऐसा यहाँ की जनता का कहना है। ये है कहानी। तू और कृष्ण भगवान, ब्लडी फूल, तुझे पता है कृष्ण भगवान का मतलब क्या है? कंस को मारने, राक्षसों का विनाश करने और ऋषि मुनियों की रक्षा करने के लिए इस धरती पर उतरे थे वो। खुद जैसा कुकर्मी क्या जाने के भगवान कृष्ण क्या थे। अरे मुझ जैसे सामान्य मनुष्य के सामने भी तू टिक नहीं पाएगा। और खुद को कृष्ण का अवतार कहता है? खुद को शेर कहने वाले तुम तो पहाड़ के चूहे से भी छोटे हो। ए फूल, चार बदमाशों को अपने साथ रखकर अपने आप को 30 मार का समझने वाले तू है क्या? चाहूँ तो अभी मसल दूँ। आफ्टर ऑल CBI का मामूली मुलाजिम है तू, जब चाहूँ तुझे कुचल सकता हूँ। मैं CBI का मुलाजिम हूँ, इसीलिए अभी तक तू मेरे सामने सही सलामत बैठा है। अगर मैं अपने असली रंग दिखाने पे आ जाऊंगा तो कितनी भी कोशिश कर ले, तेरे जितने भी कॉन्टैक्ट है सारे इस्तेमाल कर ले, तुझे मरने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। अगल बगल के तीनों राष्ट्र के CM से पूछो मैं कौन हूँ, मेरे नेटवर्क के बारे में तुम जान जाओगे। तुझे जरा अपने नेटवर्क का जलवा दिखाऊं। सुजाता। रिपोर्टिंग सर। प्रभाकर। प्रभाकर रिपोर्टिंग सर। ये मेरी रेंज है। जरा अपने हाथ की घड़ी निकाल। क्यों? क्योंकि तेरा टाइम खराब चल रहा है, चल निकाल। ये तेरी सीक्रेट लॉकर की। ये बात तुझे? एक बार किसी शैतान का टारगेट फिक्स किया तो उसके घर में बड़ा होने वाला पेड़ या उसका भोंकने वाला कुत्ता भी हो वो मेरे कंट्रोल में आ जाता है। पैरो। सर, रेड कंप्लीट हो गया। गुड। इसके राशन कार्ड से लेकर पासपोर्ट तक सब कुछ जब्त कर लो, तभी ये जरूरत पड़ने पर हाजिरी देगा। सत्यनारायण सर, इसका अंगूठा ले लो। ओके सर। सैकड़ों को मार कर जो पैसे मैंने कमाए थे वो इतनी आसानी से तुम मुझसे छीन लेगा? तू मुझे क्या पागल समझता है जो मैं चुपचाप तमाशा देखते रहूंगा? एक कदम भी तूने अगर आगे बढ़ाया तो मैं इसका भेजा उड़ा दूंगा। ड्यूटी के लिए मैं मरने को भी तैयार हूँ सर, लेकिन इसे मत छोड़िएगा सर। सत्य की राह पर चलने वाला छोटा आदमी बड़ा बन सकता है, वही बड़ा आदमी जब बेईमानी की राह पर चलता है तो सीधा परलोक सिधार जाता है। सोने के सिंहासन पर ये देशद्रोही जच नहीं रहा है। रिमूव द बॉडी, रिकवर द थ्रोन। माँ, लड़के वालों के आने का टाइम हो गया है, सब तैयार है ना? तुम्हारी बहन को छोड़कर सब तैयार है, 3 घंटे हुए अब तक तैयार नहीं हुई। अरे उसकी शादी है, टाइम तो लेगी ना। जी, सामने पैदा हुई बच्ची की शादी हो रही है, यहाँ मरने की उम्र हो गई और अभी तक शादी नहीं हुई। वो देखो वो आ गए। कैसा लगा दूल्हा? धार लगी तलवार जैसा है। चश्मे उतारो और जरा देखो, मीठी वाली छुरी भी है। ये क्या भांजे? वो दूल्हे की बड़ी बहन है मामा। बाप रे, देखते ही चमड़ी निकाल देगी। नमस्ते। चढ़ती है तो उतरना मुश्किल, उतरती है तो चढ़ना मुश्किल, क्या करूं मैं तेरा? ये मेरी बड़ी बेटी है महालक्ष्मी, MBA कर चुकी है, महालक्ष्मी फाइनेंस कंपनी की MD। ये हमारा बड़ा बेटा है, CBI में ज्वाइंट डायरेक्टर के पोस्ट पर है। अरे बिटिया के बापू के बापू का फोटो है। बापू की फोटो नहीं है, तू चुपचाप बैठ। लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं, फिर हमें और क्या चाहिए? इनका आपस में एक दूसरे को पसंद करना काफी नहीं है, ये दहेज अच्छा देंगे तो शादी होगी।
अब बोलो क्या तुम इसके लिए तैयार हो? एक सीबीआई ऑफिसर के सामने दहेज लेना और देना दोनों ही गुनाह है। अरे तू चुप हो जा बेटा, आप पूछो ना बेटी। लड़की वाले हैं हम। हमें चाहिए 1,24,325 रुपए और ये पैसे तुम्हें शादी से पहले देने होंगे। बापरे बापरे, ये तो लोन अमाउंट है। ये क्या है बेटी, मांगना है तो 6 लाख या 7 लाख मांगना चाहिए। ये 1 रुपया 2 रुपया का क्या मतलब है बेटा? ये आप अपने बेटे से पूछिए और इनके पीछे छुपे हुए 2x2 से भी। पहले इन दोनों का रिश्ता तो तय हो जाए, फिर हमारे बीच की मैथमेटिक्स सॉल्व करेंगे। शगुन की थालियां बदली कीजिए वरना मूड निकल जाएगा। ओम भूर्वस्व तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अरे कोई इसका मुंह बंद कराओ। अरे रे, ये लीजिए, टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। ए चुप कर, जब देखो नाटक करती रहती है। ऐसे शुभ मौके पर ऐसे मनुष्य को लाना ही नहीं चाहिए। ओल्ड एज होम भेजकर पीछा छुड़ा लो। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझ पे हाथ उठाया? चुप रहो, बुजुर्गों की बेइज्जती करोगे तो आगे पीछे कुछ नहीं देखूंगा। तुमने आखिर इन्हें क्या समझ रखा है? तुम्हें धर्म के बारे में, व्यवहार के बारे में, संसार के सारे अच्छे नियमों के बारे में बताने वाले यही लोग हैं। उस जमाने को और अपने जमाने को अगर किसी ने जोड़ कर रखा है तो यही देव समान बुजुर्ग लोग हैं। अगर बड़े बूढ़े रास्ता नहीं दिखाएंगे तो हमारे देश की संस्कृति देखते ही देखते खत्म हो जाएगी। मनुष्य में प्रेम नहीं रहेगा, बच्चों के चेहरे से मुस्कान हट जाएगी, प्यार वाले निवाले नहीं होंगे, लोरियां नहीं होंगी, दादा दादी की कहानी भी नहीं रहेंगी। अगर ये लोग ओल्ड एज होम्स में चले जाएंगे तो हमारा भविष्य फिर से स्टोन एज में चला जाएगा। आप हमारे मेहमान हो इसलिए छोड़ रहा हूँ, दूसरा कोई होता तो ऐसा सबक सिखाता कि याद रखते। सॉरी, मेरी वजह से मुहूर्त का टाइम चला गया। शगुन की थालियाँ बदलने के लिए सिर्फ अच्छे मुहूर्त की नहीं बल्कि अच्छे लोगों की जरूरत होती है। माँ, तुम्हें एक बम्पर ऑफर दे रही हूँ, अपने बेटे के साथ साथ अपनी बेटी की भी शादी करवा लो, उसी मंडप में उसी पंडित से धूमधाम से शादी करवाओ। अगर ऑफर क्लोज हो गई तो अच्छा दामाद मिस कर दोगी। तुम्हारी नजर में तुम्हारे लायक कोई लड़का है? तुम्हारे सामने ही तो है माँ। Don't mind the walk, that's how they feel.
नाल मुंडे या नच ले तू नैनो से नैनो की कुश्ती में है जीत गई मेरी पूरी हस्ती में आग लगे तो लग जाए बस्ती में हम करेंगे यूं ही मस्ती में बदले को मत गोरी तेरे बिन दंत गोरी जादू गिर मुझ पे चला कमर जो तेरी हिले हिल जाए सारे जिले तेरी अदाओं पे तो लाखों बिसले तेरी अदाओं पे तो हम बिसले हीरो के जैसा तेरा लुक ये सुपर है उठी हुई तेरी सेक्सी लुंगी सुपर है गोरे गालों का ये करिश्मा सुपर है तेरे पदों का ये सरकना सुपर है क्या हुआ भारद्वाज यहाँ अकेले बैठकर क्या सोच रहे हो इस प्रदेश को ऊपर कैसे ले जाऊं यही सोच रहा हूं। बैठ के। नमस्ते सर। उस ग्रीन प्रोजेक्ट के डील के बारे में मैंने और महेंद्र ने सारे डिस्कशन कर लिए हैं। हमारे एक्सपेक्टेड पेमेंट के अलावा 50% पार्टनरशिप भी देने को तैयार है। आपको बस इस प्रोजेक्ट में आने वाले लीगल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है सर। तुम्हें अकल है चीफ सेक्रेटरी होकर मेरे पास ऐसे प्रपोजल्स लेकर आते हो इस फाइल पर अगर दस्तखत करूंगा तो पता है क्या होगा सदियों से इसी जगह पर जी रहे 125 जंगली जाति वाले इस प्रोजेक्ट से बेघर हो जाएंगे इस ग्रीन प्रोजेक्ट से बूढ़े बच्चे औरत मर्द सब के सब बर्बाद हो जाएंगे उन लोगों के लिए कुछ अच्छा करेंगे तो जनता हमें प्यार करेगी और वोटों से लात देगी नहीं तो करोड़ों रुपए खा गए ऐसा कह के मुंह पे थूकेगी मेरे टेबल पर ये फाइल आगे से नहीं आनी चाहिए नोट अप्रूव्ड को नोट अप्रूव्ड करके करोड़ों रुपए के घोटाले का इल्जाम तुम्हारे स्वर्गीय पिता पर लगा दिया अगर ये बात तुम्हारे मामा जी को पता चली तो तुम्हें परेशानी हो सकती है अपने रास्ते में आए बड़े पापा को नहीं छोड़ा तो वो तो मामा है बैनर्जी डॉक्टर पेशेंट को इंजेक्शन देने से पहले ऐसा क्यों करते हैं सिरिंज में एयर ब्लॉक हुआ तो वो एयर बबल सीधे आदमी के बॉडी के नसों में जाकर हार्ट वाल्व्स ब्लॉक कर देता है जिसकी वजह से इंसान की मौत हो जाती है मामा और मेरा एक ही ब्रांड है और वो रोज शाम को 2 पैक ज्यादा पीकर निकलते हैं आज का पैक लास्ट होगा उनकी मौत कैसे हुई ये पोस्टमार्टम से भी पता ना चले गुड मॉर्निंग सर वेलकम बॉस अपॉइंटमेंट के बगैर उस गुंडे का चैप्टर टेरिफिकली क्लोज किया तुमने वेरी प्राउड ऑफ यू प्लीज सिट डाउन थैंक यू सर नाउ कमिंग टू द पॉइंट ये हैं सेंट्रल हेड ऑफिस से आए हुए स्पेशल ऑर्डर्स इस बीच हाल ही में मारे जा चुके एक्स सीएम की डेथ पर सीएम को उनकी पार्टी के कुछ मेंबर्स पर शक है और इस तरह के केस के लिए तुम्हारे जैसे डेडिकेटेड ऑफिसर ही चाहिए तुम्हारा टैलेंट और ट्रैक रिकॉर्ड देखकर इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए तुम्हें ही डेप्यूट किया है और तुम्हें इस काम पर इसी वक्त जाना होगा योर ऑर्डर्स थैंक यू सर लेकिन हमारे सीएम साहब की नेचुरल डेथ ड्यू टू हार्ट अटैक हुई है यही पेपर में पढ़ा था मैंने यू आर राइट बट ऑपोजिशन पार्टी वालों का मुंह बंद करने के लिए जनता को डाइवर्ट करने के लिए ऐसे ट्रिक्स प्ले करना पॉलिटिशियंस के लिए मामूली बात है केस फाइल आई विल डू माय बेस्ट सर राजीव Thank you. उनके सीएम होने के पहले से ही मैं उनका ट्रीटमेंट कर रहा हूँ देखिए सर मुझे उनकी फैमिली की टोटल हेल्थ हिस्ट्री की फाइल चाहिए उन्हें जो आया था वो एक मैसिव स्ट्रोक था एंड दैट इज 100% नेचुरल स्ट्रोक तुम्हारी भेजी हुई सारी फाइल स्टडी की है मैंने चीफ मिनिस्टर को फर्स्ट स्ट्रोक होने के बाद डॉक्टर ने जो भी ट्रीटमेंट दी वो बिल्कुल करेक्ट है उनके बॉडी कंडीशन के हिसाब से सेकंड स्ट्रोक आने के बाद उनके जीने के चांसेस बहुत कम थे
हॉस्पिटल में रिकॉर्ड हुआ सीसीटीवी फुटेज यही है सर। ये डिस्टर्बेंस क्यों है? उस दिन ठीक इसी समय हमारे हॉस्पिटल में सभी सीसीटीवी कैमरे के फुटेज में ऐसा ही डिस्टर्बेंस आया था सर। उसी समय आपके हॉस्पिटल में पावर फ्लक्चुएशन जैसा कुछ हुआ था क्या? ऐसा होने का कोई चांस ही नहीं है सर, हमारे पास हाई क्वालिटी इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम है सर। Open the door. टीवी 9 न्यूज चैनल। यस। जिस दिन मुख्यमंत्री गुजरे थे उसके सुबह के 5:30 बजे आपके चैनल में कौन सा प्रोग्राम टेलीकास्ट हो रहा था? उस समय हमारे चैनल में भक्ति प्रोग्राम टेलीकास्ट हुआ था। उन्हें जो आया था वो एक मैसिव स्ट्रोक था एंड दैट इज 100% उनके बॉडी कंडीशन के हिसाब से सेकंड स्ट्रोक आने के बाद उनके जीने के चांसेस बहुत कम थे। मतलब स्ट्रोक आया, सीएम टीवी देखते देखते मर गया क्या? उस समय हमारे चैनल में भक्ति प्रोग्राम टेलीकास्ट हुआ था। तो सीएम भक्ति प्रोग्राम देखते हुए क्यों शॉक से मर गया? सीएम की आंखों में डर दिखाई दिया, डरने की वजह क्या हो सकती है? सीसीटीवी कैमरा फुटेज में ये डिस्टरबेंस आया था, मतलब जो सीएम देख रहा था वो भक्ति का प्रोग्राम नहीं था, कुछ और ही था। जिस दिन सीएम गुजरे हॉस्पिटल बैकयार्ड में ड्राइविंग तुम ही कर रहे थे, उस दिन वैन में क्या हुआ था? मैंने पूछा उस वैन में क्या हुआ था? सब कुछ हमारे कंट्रोल में है, सीएम जो भी चैनल ऑन करें वो वही देखेंगे जो हम चाहते हैं। इस राज्य के सबसे महान इंसान, लोगों के चहेते नेता, जिन्हें लोगों का दिल जीतना बखूबी आता है, हमारी चीफ मिनिस्टर का असली रूप सबके सामने आ गया है। लड़कियों के साथ किए अश्लील व्यवहार का टेप स्टूडियो एन के हाथ लग गया है, वो विजुअल्स एक्सक्लूसिवली आपके लिए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इस विजुअल्स को देखकर जनता शॉक्ड हो गई है। जिसे जनता भगवान की तरह मानती है उनके इस बर्ताव से जनता में क्रोध है और उन्होंने राज्य में तोड़फोड़ शुरू कर दी है। ये सनसनीखेज खबर सुनकर पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं ने आत्महत्या कर ली है। सीएम के बेटे के कहने पर उस दिन मैंने सिस्टम को हैक किया था। हत्यारे चाहे जितने भी शातिर क्यों ना, उन्हें छोड़ूंगा नहीं। क्या सर, बहुत हैप्पी लग रहे हो? एक्सीएम का केस सॉल्व कर दिया क्या? ऑलमोस्ट। आपको ये तो नहीं लग रहा है उनका मर्डर हुआ है? ऑफ कोर्स। सर, आप जो केस डील कर रहे हैं वो आपको थोड़ा डेंजर नहीं लग रहा? रविंद्र, क्लियर बोलो, मुझे गोलमोल बातें पसंद नहीं। एक्सीएम के डेथ केस में हाई लेवल के बड़े अधिकारी इन्वॉल्व है ऐसा मुझे लग रहा है सर। अगर उनके बारे में आप पता करेंगे तो आपकी जान को खतरा हो सकता है सर। मेरी राय पूछो तो कंट्रोवर्सी के बिना ये केस खत्म कर दीजिए। हम ड्यूटी किस लिए करते हैं?
जिंदगी जीने के लिए ना, फिर मौत को घर का रास्ता क्यों दिखा रहे हैं? कॉफी ठंडी हो रही रविंद्र, पी लो इसे। थैंक यू सर। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम अपने जूनियर्स के लिए क्या एग्जांपल सेट कर रहे हो? बहुत से डर लगता है तुम्हें। अगर तुम्हें चूड़ियां ही पहननी है तो जाकर कोई और जॉब कर लो। ब्लडी फूल, व्हाट नॉनसेंस इज दिस? आपने ही कलीग को सबके सामने पीट रहे हो। तुम कोई सीबीआई ऑफिसर हो या रास्ते के गुंडे हो? सीबीआई का क्या मतलब होता है ये तुम्हें पता भी है या नहीं? मैं आपको किताबी मतलब समझाऊं या वो मतलब समझाऊं जो ये जानता नहीं? व्हाट डू यू मीन? आई मीन सीबीआई का मतलब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जो वीआईपी की सेवा करने के लिए नहीं होता। लेकिन आप शायद ये मीनिंग भूल चुके हैं। सी मतलब कमिटमेंट फॉर ड्यूटी, बी मतलब बाउंड फॉर ट्रूथ, आई मतलब इंटेग्रिटी फॉर द नेशन। ये मीनिंग ड्यूटी के लिए मरने वालों को पता है और इसी को वो फॉलो करते हैं। यू आर क्रॉसिंग योर लिमिट्स, यू आर टॉकिंग टू योर सुपीरियर। आई नो विथ हूम आई एम टॉकिंग टू। मुझे पता है मैं किससे बात कर रहा हूँ और मुझे पता है मैं क्या बात कर रहा हूँ। एक वक्त था कि सोसाइटी को क्लीन करने के लिए सीबीआई बना था और अभी सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने के लिए रह गई है सीबीआई। मैंने हाथ बढ़ाकर तुझसे सेकंड क्या कर लिया? मुझे क्या लगता है तेरी हर बात मुझे सही लगेगी? पटक पटक कर मारूंगा, याद रखना। फाइनल वार्निंग दे रहा हूँ। मेरे साथ काम करने वालों में पूरी ईमानदारी होनी चाहिए। जरा सी भी गड़बड़ में बर्दाश्त नहीं करूंगा, चाहे वो कोई मेरे से छोटा ऑफिसर हो या मुझसे बड़ा ऑफिसर हो। किसी को नहीं बख्शूंगा, सबका इंसाफ मैं ही करूंगा। I'm sorry सर, मुझसे अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई। अगर आप ये केस किसी सच्चे ऑफिसर को दोगे तो आपकी पार्टी वालों को और विरोधी पार्टी वालों को आप पर कभी शक नहीं होगा, यही सोचा था मैंने। और जैसा कि आपका प्लान था, इस केस को बोस को दिया गया था, लेकिन उसने आपसे ही दो कदम आगे सोचते हुए इस केस को फिनिशिंग स्टेज पर लाके खड़ा कर दिया। और इसमें आपका हाथ है ये जानने में उसे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा सर। उसे रोकना हमारे बस का नहीं है। यू हैव टू डील विद हिम। उस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में क्या है? वही तो पता करने की कोशिश की थी सर। हमारे सीबीआई ऑफिसर्स ने सेंट्रल कमांड कंप्यूटर सर्वर में हमारे दिमाग को चकराने वाला एक फायरवॉल सिस्टम क्रिएट किया था सर। फायरवॉल सिस्टम, वो क्या है? राजेश, गुड मॉर्निंग सर। इंडिया वाइड सीबीआई सिक्योरिटी सिस्टम डिजाइन करने वाली टीम के ये दोनों स्पेशलिस्ट हैं सर। क्या है ये न्यूसेंस? हम जिसे न्यूसेंस समझते हैं उसने उसे नया सेंस बना दिया है सर। तुम डिटेल्स बताओ, बोस की तारीफ मत करो। सॉरी सर। इंडिया में सीबीआई की 6 जोनल हेडक्वार्टर्स हैं। ये हैं दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बैंगलोर और हैदराबाद। ये सब जोनल हेडक्वार्टर्स सबको मिलाते हुए हमने एक सेंट्रल नेटवर्किंग सिस्टम क्रिएट किया है। इसके जरिए किसी भी एक ब्रांच का फाइल दूसरे ब्रांच वाले कहीं भी और कभी भी देख सकते हैं। जरूरत पड़ने पर एक दूसरे की फाइल आपस में एक्सचेंज भी कर सकते हैं। लेकिन बोस का क्रिएट किया हुआ फाइल कोई एक्टिवेट नहीं कर सकता है। उसके अंदर क्या है पता नहीं कर सकते हैं। बोस के अलावा कोई भी इसे ओपन नहीं कर सकता है। आसान शब्दों में बताऊं तो इस इन्वेस्टिगेशन फाइल के चारों तरफ उसने एक रक्षक दीवार बनाकर उसके बीच में एक किला बना दिया है। ये टोटल सिक्योरिटी प्रोसेस को ही पर्सनल फायरवॉल सिस्टम बोलते हैं सर। तुम कुछ नहीं कर सकते हो? हमारे जैसे हैकर्स इस फाइल को जबरदस्ती एक्सेस करने की कोशिश करें या टेम्पर या डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करें तो ये चीज हम पर ही भारी पड़ सकती है। इस बीच उसे कोई मार डाले या डिपार्टमेंट से निकाल दिया जाए या फिर उसे किडनैप ही कर लिया जाए तो बात बन सकती है। कैसे? डिपार्टमेंट रूल्स के हिसाब से सीबीआई वाले अगर सेंट्रल डेटाबेस में अपना स्टेटस अपडेट करते हैं, जैसे बोस इज डेड, सस्पेंड हुआ है, मिसिंग हुआ, टर्मिनेट हुआ या कोई और रीजन से गायब हुआ, तो ये इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट फाइल ऑटोमेटिकली एक्सेसिबल हो जाएगी और तुरंत प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, सेंट्रल होम मिनिस्टर को, गवर्नर को, मीडिया को ये सिर्फ एक सेकंड में पहुंच जाएगी। बोस अकेले ही इस केस को कंप्लीट करके फाइनल रिपोर्ट दे सकता है सर। राजेश, यू मे गो नाउ। ओके सर। ये उसने ऐसा चक्रव्यूह बनाया है जिसे खुद अभिमन्यु भी नहीं भेज सकता है सर। समझ नहीं आ रहा क्या होगा। उसने जिस चक्रव्यूह को मेरे लिए रचा है, मैं उसी में उसे अभिमन्यु बना दूंगा। आओ बेटा। अरे वाह, करेक्ट टाइम पे आयो। चलो जल्दी से रेडी हो जाओ, निकलना है। इतनी क्या हड़बड़ी है माँ, वैसे कहाँ जा रही है? मैं अकेली नहीं जा रही, सब साथ में जाएंगे। अपनी नंदिनी की शादी हो जाए
तो मैं मंदिर में जाऊंगी, ऐसी मैंने मन्नत मांगी थी जो आज पूरी हो गई है। मुझे ऑफिस में अर्जेंट काम है माँ, मैं नहीं आ पाऊंगा, आप लोग जाइए। मैं कहूंगी तो भी आप नहीं आओगे क्या? वो बहुत हो गया बहाना, चलो तैयार हो जाओ। Oh!
बेटा। जो दुश्मन मेरे रास्ते में आता है मैं उसे हमेशा के लिए बंदी बना लेता हूं। डॉक्टर कैसी कंडीशन है इसकी? सर पर मार ज्यादा लगी है सर, लेकिन कोई खतरा नहीं है। सिर्फ 3 महीने की ट्रीटमेंट चाहिए इन्हें, फिर ये नॉर्मल हो जाएंगे। नहीं होना चाहिए, किसी भी हालत में ये नॉर्मल नहीं होना चाहिए। इसे ना तो मरने देना है ना जीने देना है। किसी भी पेशेंट को ऐसा करने के लिए कुछ मेडिसिन बनी है सर, उन्हें इंटरनेशनल मेडिकल काउंसिल रूल्स के हिसाब से इंडिया में हमेशा के लिए बैन किया गया है। ऐसी मेडिसिन को मंगवा कर हम एक्सपर्ट डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाएंगे, तो आप जितने दिन चाहे उतने दिन इन्हें कोमा में रख सकते हैं। अगर ये कोमा से बाहर आ गया तो? बाई मिस्टेक अगर ये कोमा से बाहर आ भी गए तो ये दवाइयाँ इतनी इफेक्ट कर चुकी होंगी कि इनका ब्रेन एक वाइट पेपर की तरह ब्लैंक हो चुका होगा। तो इमीडिएटली मेडिसिन मंगा कर ट्रीटमेंट चालू कीजिए। दुनिया का सबसे अकलमंद इंसान कहीं ना कहीं गलती जरूर करता है, इसने भी वही किया है। इस केस के इन्वेस्टिगेशन की सारी डिटेल्स की फाइल बनाकर इसने फायरवॉल के सिस्टम में लॉक कर दिया है, जिसे सिर्फ यही खोल सकता है। बहुत ही अद्भुत दीवार इसने बनाया, लेकिन एक छोटा सा होल बंद करना भूल गया। वही होल हमारे लिए सिंह द्वार बन गया। कैसा होल? वॉलंटरी रिटायरमेंट। बोस ने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया है। ये स्टेटस सिस्टम में एंटर करते ही फाइल कभी एक्सेस नहीं होगी। बनर्जी इमीडिएटली इसकी फैमिली को अपने कंट्रोल में। मैंने जो बोला अगर वो नहीं सुनोगे तो कोई जिंदा नहीं बचेगा, ना तू ना तेरी फैमिली। तुम नहीं चाहोगे ना मैं इसकी इज्जत के साथ खेलूं? ऐसे कुछ मत करो, हम तुम्हारी बात मानने को तैयार हैं। प्रसाद हमारी कोई भी चाल अननेचुरल ना लगे। पब्लिक की आंखों में धूल झोंकने के लिए उस पर ड्रंक एंड ड्राइव का केस बनाओ। इस तरह से मैंने तुम्हें एक जिंदा लाश बनाकर रख दिया था, लेकिन मेरी बदनसीबी कि कोमा में रहते हुए तुम्हारी एक दिन सांसें रुक गई। He's dead. No! ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरी टेंशन और बढ़ गई, क्योंकि ये मेडिकल साइंस को भी पता नहीं चला कि तुझ में जान वापस कैसे आ गई। फिर मेरे सारे टेंशन दूर हो गए और तब मैंने स्टार्ट किया नया गेम, और उस गेम को मैंने नाम दिया ऑपरेशन गॉड से। होश में आने के बाद तू जिस दुनिया में जी रहा था वो मेरी ही बनाई हुई दुनिया थी। जिन लोगों से तू मिल रहा था वो सब तेरे लिए अनजान थे। मैंने तेरे आसपास इतना कंफ्यूजन पैदा कर दिया कि कौन तेरी माँ है और कौन तेरा बाप, तू समझ ही नहीं पाया। मदर्स, नोबडी कैन स्टैंड इन फ्रंट ऑफ योर पावर। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुझे पता है क्यों? अब तेरा सीबीआई से कोई संबंध नहीं रहा। कोबरा के हलक से जहर निकाल लिया। सिर्फ तू डसता रहेगा लेकिन असर नहीं होगा। अबे, बिजली गिरने के बाद बादल की गड़गड़ाहट भी हम लोगों को 1 सेकंड लेट सुनाई देती है। दहकते हुए इस जलते हुए सूरज को भी 1 घंटे का ग्रहण लगता है। देरी हुई तो क्या हुआ? ऐसा नहीं कि तेरा फैसला नहीं होगा, पाप का अंत होकर ही रहता है। ऑलरेडी तेरे सारे पंख काट दिए, अब इतना क्यों उड़ रहा है? Hey, मेरा टेम्परेचर इतना है कि तेरा डीएनए टेस्ट करने के लिए मुट्ठी भर राख भी नहीं मिलेगी। तुझसे गलती हो गई कि तूने मेरा नाम गॉड से रखा। गॉड से भी वायलेंट था और बॉस भी वायलेंट थे। तुझे समझ में आया ये मुझे पता नहीं, लेकिन एक चीज मुझे समझ में आई है। गॉड से, यानी गॉड ने बोला कि तेरा फैसला मेरे हाथों होगा। अभी मैं तुझे नहीं मारूंगा, जानता किस लिए? मेरे हाथों मरेगा तो तेरा नाम इतिहास में लिखा जाएगा। जिस दिन तेरा पाप दुनिया के सामने उजागर होगा उस दिन तू सड़क पर मरेगा। तू कितना घटिया है ये मैं सबको बताऊंगा। चीफ मिनिस्टर, तेरा चैप्टर क्लोज करने का काउंटडाउन शुरू हो गया है। इस खेल की बाजी मेरे हाथ है। ए? खेल तूने शुरू किया, खत्म मैं करूंगा। तेरे और मेरे बीच का फासला सिर्फ 3 फुट का रहेगा। आज के बाद तेरी तरफ बढ़ाया हुआ मेरा हर कदम तेरे विनाश के लिए होगा। तू बचना भी चाहे तो जमीन के अंदर धंसता ही चला जाएगा। तू भागना चाहेगा तो भाग नहीं पाएगा। तुझे छुपने के लिए ये आसमान भी छोटा पड़ेगा। और मैं ये सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ, आई विल प्रूव इट टू यू। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तुझमें जितना दम है पूरा लगा लेना। बेटा, तुम्हें जिंदा रखने के लिए तुम्हारे वॉलंटरी रिटायरमेंट पेपर पर दस्तखत करवाए थे। तुम जिंदा रहो इसके लिए
हमने उनकी हर बात मानी बेटा। जिस हॉस्पिटल में तुम्हें एडमिट किया गया था उसी हॉस्पिटल में मेरे बेटे का ट्रीटमेंट चल रहा था, तब हमसे डॉक्टर साहब ने कहा हमारे हॉस्पिटल में एक आदमी कोमा से बाहर आया है, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस माँ बाप की एक्टिंग करके उसे मना लेना है, और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपके बेटे के साथ साथ आप भी नहीं बचेंगे। हमारे बेटे को बचाने के लिए कोई रास्ता नहीं था, हम दोनों मजबूर थे। हमसे जो गलती हो गई उसके लिए हमें माफ कर दो बेटा। ये बच्ची हमारी भांजी है। इन लोगों के नाटक की वजह से हम बातों बातों में पति पत्नी बन गए। ये झूठ है मुझे पता है, लेकिन ये सच होता तो मुझे बहुत खुशी होती। हेलो हेलो, तुमने जिस कैरेक्टर की एक्टिंग की बहुत अच्छी की, जितने पैसे तुम्हें मिले उससे ज्यादा तुम लिपकी हो चिपकी हो उससे। बस हाँ बस, तुम्हें देखती हूँ तो जलन होती है मुझे। अब ये सच और झूठ का नाटक बहुत हो गया, चलो निकलो यहाँ से। हेलो, लीगली मेरे पास मैरिज सर्टिफिकेट भी है और मैं चाहूँ तो इन्हें अपने साथ मुंबई भी ले जा सकती हूँ, चलोगे? यहाँ आओ। क्या है, ये कहती है कि तुम्हें मुंबई ले जाएगी और तुम हो कि इसे कुछ कहते भी नहीं हो, जवाब दो इसे। ये मेरे पति हैं, चलिए चलते हैं। पति पति बोलेगी तो दांत तोड़ दूंगी तेरे, ये मेरा होने वाला पति है, चलो चलते हैं यहाँ से। ये मेरे पति हैं। वहाँ देखूं तो है अदा, कहाँ देखूं कहाँ देखूं, मेरे खुदा मेरे खुदा। बैरी बैरी मुरारी, आजा आजा कर ले सवारी। यहाँ देखूं तो है बला, वहाँ देखूं तो जलजला, कहाँ देखूं कहाँ देखूं, जहाँ देखूं बला बला। बारी बारी धड़कन मुरारी, आया आया करने सवारी। Baby।
मुरारी आया आया करने सवारी। भरद्वाज देखो न्यूज में क्या आ रहा है। हमारे चीफ मिनिस्टर की नेचुरल डेथ नहीं थी, वो एक प्री प्लान्ड मर्डर था। और ये सब करने वाला एक गोडसे नाम का आदमी है जिसने अपना एक बार जुर्म सरकार के सामने किया है जिससे पूरा राष्ट्र हिल गया है। अब हम सभी को इंतजार है कि इस विषय उसे मारा तो हम लोगों ने है लेकिन इल्जाम अपने ऊपर ले रहा है। समझ नहीं आ रहा ये करना क्या चाहता है। वो क्या करने वाला है ये मत सोचो, अब जल्दी से जल्दी तुम्हें ही कुछ करना होगा इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। ये है कि गोडसे ने पुलिस व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कल तक गायब रहा ये मुजरिम आज SMS करके प्रजा में सनसनी मचा रहा है। सोचो ये न्यूज आखिर है किसके लिए। 1.5 years पहले हमारे डिपार्टमेंट ने नेचुरल डेथ कहकर क्लीन चिट देकर क्लोज किया था XCM डेथ केस। अभी कोई गोडसे नाम का आदमी कहता है मैंने मर्डर किया है और उस केस को वापस रीओपन करवाना चाहता है। आखिर वो ऐसा करवा क्यों रहा है और उसे बाहर आने में इतने दिन क्यों लग गए। Let's move to Hyderabad. जो फाइल आपने मंगाई थी वो तैयार हो गई है सर, ये लीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम सर। अरे अरे, be careful. Thank you. Hello. Boss. मेरा नाम सुनते ही तेरे पैरों तले जमीन निकल गई, ये अच्छी बात नहीं है। तुझे मजा ऐसा एक झटका देता हूँ। देख तेरे टेबल पर रखी हुई वो चौथी वाली फाइल। hey, इस फाइल की डिटेल्स तुझे कैसे पता? Stupid question. चौथी क्लास में पढ़ने वाला बच्चा भी ऐसा सवाल नहीं पूछेगा। Don't forget about my network. MRO, कलेक्टर, मिनिस्टर, गवर्नर, मैं, NGO, इतने लोगों का पास किया हुआ प्रोजेक्ट है ये। कोई 10वीं क्लास का प्रोग्रेस रिपोर्ट नहीं है। इसमें अपनी टांग अड़ा कर तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कैसे बिगाड़ना है मुझे पता है। तेरे बेनामी प्रोजेक्ट के लिए बड़े लोगों ने किस तरह ठप्पा लगाया ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। धोखे से अपने बड़े पापा को मरवाया तूने। 10,000 acres जमीन पाने के लिए 125 जातियों में से 5,000 आदिवासियों को बेमौत मरवा डाला तूने। उन बेकसूरों पर तुझे दया नहीं आई जिन्हें तूने जिंदा मिट्टी में दफन कर दिया। तेरे किए हुए हत्याकांड और काले कारनामों का कच्चा चिट्ठा मेरे पास सबूतों की शक्ल में मौजूद है। कुछ ही घंटों में मैं इसे प्रेस के हवाले कर दूंगा। उन्हें पता चलते ही तेरी पदवी चली जाएगी। प्रजा तुझे पत्थर से मारेगी। यहाँ मैं बटन ऑन करूंगा और वहाँ काउंटडाउन शुरू होगा। शुरुआत कैसे करोगे, स्विच तो मेरे पास है। मुझसे जीत गए ये समझ कर शॉपिंग मॉल में शाहजहां जैसा फील कर रहे हो ना बोस। शौक लग रहा है क्या? मैं तुमसे हमेशा 3 किलोमीटर की दूरी पर रहता हूँ। तुम्हारी परछाई भी मेरी गुलाम है। तुम जो सोच रहे हो वो होगा नहीं और जो होगा वो तुम कभी सोच भी नहीं सकते।
यह हमेशा मेरी नजरों के सामने रहेगा। उसकी छोटी सोच जहां खत्म होती है वहां मेरी शुरू होती है। एक्स सीएम का मर्डर करने वाला गोडसे रिंग रोड पर है, ये बात मीडिया को बताओ मामा। ठीक है भांजे, लेकिन तुम संभल के रहना। सीएम, इंसानों को मारना तेरे लिए स्कॉच पीने जितना आसान है, लेकिन एक इंसान को जिंदा रखना तेरे लिए कितना मुश्किल है ये मैं तुझे अभी बताता हूँ। जो खेल तेरे साथ खेलने वाला, उस खेल का नाम तुझे पता है? मौत का खेल। अब मैं भागने वाला हूँ, दावे तो पकड़ के बता मुझे। ऑफिसर, अलर्ट ऑल द फोर्सेस, चाहे जो हो जाए, ग्रीन प्रोजेक्ट डिटेल्स बाहर नहीं आनी चाहिए, उसे किसी भी हाल में पकड़ो। कम ऑन, मूव। हे, स्टॉप हिम, कम ऑन, मूव। वॉलंटरी रिटायरमेंट से इसका चैप्टर क्लोज करने के लिए सोचा, तो वही प्लान मुझे भारी पड़ रहा है। रूट बदलकर मेरी किस्मत बदल रहा है। ए, वो मरने के लिए चाहे जितनी भी कोशिश क्यों ना करे, उसे किसी भी हाल में मेरे पास जिंदा लाना है। उसके ऑपोजिट वे में जाकर उसे पकड़ो। अरे क्या है, ये बाइक रोड पर नहीं चल रही, लग रहा है मेरे सिर पर चल रही है। शैडो फोर्स, उसे पकड़ो। ऑफिसर, वो नहीं रुका तो मेरे दिल की धड़कनें रुक जाएंगी। तुमसे टोल नाका कितनी दूरी पर है? 2 किलोमीटर सर। क्लोज इट, क्लोज इट, इमीडिएटली क्लोज इट। जब तू जलाल, तू आई बला को टाल, तू हे भगवान। सर, उसे लॉक कर दिया गया है। सर, आपका बीपी बहुत बढ़ता जा रहा है। मेरी भक्ति भी बहुत बढ़ रही है। हर कोई भगवान से अपनी उम्र बढ़ाने के लिए मांगता है, और मैं दुश्मन की उम्र बढ़ाने के लिए दुआ मांग रहा हूँ। ठीक करो इसे। एक मिनट सर। सर, सर, हो गया सर। स्टॉप हिम, स्टॉप, स्टॉप, स्टॉप। Thank you.
उसे मेरे फार्म हाउस में लेकर आओ। मैडम, एक्सीएम को मारने वाला गोडसे टीवी पर लाइव आ रहा है मैडम। इज इट? यस। व्हाट नॉनसेंस, ये गोडसे कैसे? ये तो हमारा सीबीआई ऑफिसर बोस है। बोस ही गोडसे है? एक्सीएम को मारने वाले गोडसे के पीछे कुछ लोग पड़े हुए हैं। इन लोगों का और गोडसे का आखिर क्या संबंध है? सुनो, तुम उसे रोक नहीं पाओगे। किसी भी तरह से आती हुई ट्रेन को रोको। बोस मरने के लिए ट्रेन के सामने दौड़ रहे हैं, और उनके पीछे दौड़ने वाले किसी एक को पहचानते हो? टीम को लीड करने वाला और कोई नहीं, प्रेजेंट सीएम भारद्वाज का चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर। व्हाट? सीएम का सिक्योरिटी चीफ? यस यस, ये बोस का जरूर कोई प्लान होगा। वो हमें कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। क्या है? व्हाट इज दैट? इस डेथ का इस केस से क्या संबंध होगा? क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? वेयर इज द सर्वर रूम? 2005 सुभाष चंद्र बोस आईपीएस डेटाबेस ओपन करो। इसमें बोस इज डेड, ये एंटर करो। मैडम, ही इज वॉलंटरली रिटायर्ड। उसके जिंदा रहते हैं, हम स्टेटस पे डेथ कैसे लिखते हैं मैडम? डू व्हाट आई से। हमारे राज्य के एक्स सीएम की डेथ इज अ प्रोवोक्ड मर्डर थ्रू हैकिंग। सर, आई एम अवंतिका, आई एम एनटीवी रिपोर्टर। आपके लिए फोन है सर। हेलो मिस्टर बोस, दिस इज इंद्रानी, सीबीआई डिप्टी चीफ फ्रॉम दिल्ली। आपका डेटाबेस ओपन किया है, वी आर बैक इन ड्यूटी नाउ। इस डेथ केस की गुप्ती हमने भी सुलझा ली है। अब अपने डिपार्टमेंट का पावर क्या है उन लोगों को दिखाइए। थैंक यू। मैं मारने वाला ही हूँ, मरने वाला नहीं हूँ बेवकूफों। तेरी माँ ने तुझे क्या खिलाकर बड़ा किया है? एक्सीएम को आपने मारा है, ये बात दिल्ली की स्पेशल टीम को पता लग गई है सर। हैकिंग की भी सारी डिटेल्स अब उन्हीं की कस्टडी में है। सर, मेरी बात मानिए और आप जल्दी से अंडरग्राउंड हो जाएंगे। मिस्टर प्रसाद, एक्सीएम के मर्डर केस में भारद्वाज के आप गुलाम बन चुके थे। साथ ही ऑफिसर बोस को कोमा में भेजकर उसे वॉलंटरी रिटायरमेंट दिलाकर उसकी आइडेंटिटी बदलने की नाजायज कोशिश की है आपने। वी हैव ऑल द एविडेंस, टेक हिम इनटू कस्टडी। इतनी मेहनत से बनाए हुए मेरे साम्राज्य को तूने एक पल में तितर बितर कर दिया। मैं नहीं छोड़ूंगा तुझे। इस अंधे कानून से बचने के लिए आईसीयू से सेफ जगह भला और कौन सी हो सकती है।
तू यहाँ कैसे आया? तूने तो मुझे ऊपर पहुँचाने की पूरी तैयारी कर ली थी और अब यहाँ आकर सो रहा है तू? मुझे लगता तो अब तक समझ गया होगा कि मौत पर भी मेरा ही कंट्रोल है। डोंट फॉरगेट आई एम फ्रॉम सीबीआई। शिकारी को शिकार बनाने के लिए मुझे आधा सेकंड लगता है और उसका हाल तेरे जैसा होता है। बॉस, मैं ही जीतूंगा। मुझे बदलने की कोशिश की, नहीं बदल पाया। किडनैप करने का सोचा, नहीं कर पाया। मुझे यहाँ आने से रोकने की कोशिश की, नहीं रोक पाया। बुराई की जीत होती है, ऐसा किसी भी इतिहास में नहीं है बेवकूफ, और तू ऐसा कर भी नहीं पाएगा चाहे जितनी कोशिश कर ले। कुछ भी बोल ले तू, लेकिन मैं इस राज्य का लीडर हूँ। लीडर्स एंड लेजेंड्स आर नॉट बॉर्न आउट ऑफ मैनिपुलेशंस, दे आर बॉर्न आउट ऑफ इमोशंस। नेता हिसाब किताब से पैदा नहीं होता, यू फूल, प्रजा के दिल से पैदा होता है। जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसे किसी महान नेता का नाम देने का सोचते हैं। ये सोच माँ बाप के दिल से आती है, तभी वो नेता महान बनता है। लेकिन तू नेता के नाम पर कलंक है, अच्छाई को बुराई में बदलने वाला भ्रष्ट नेता, इंसानों का कत्ल करने वाला कातिल, उन्हें कीड़े मकोड़े समझने वाला हैवान। तेरी बाकी जिंदगी जेल में कटेगी, वही की रूखी सुखी खाएगा, जमीन पर सोएगा तू। बी प्रिपेयर टू फेस इट। Arrest him. Take him. Boss! अगर मेरी हस्ती नहीं रही तो मैं तेरा भी नामो निशान मिटा दूंगा। जब कोई तप करता है तो भगवान प्रकट होते हैं, लेकिन कोई गलत करेगा तो ये बॉस प्रकट होगा। किसी ने अगर इस लाइन की लाइन को क्रॉस किया तो उसकी जिंदगी यही खत्म हो जाएगी। सत्यनारायण, एक्शन कितने बजे शुरू हुआ था? 3:01 पे सर। कितने बजे क्लोज हुआ? 3:09 पे सर। इस 8 मिनट में कितनी गोलियां चल गईं? 4 गोलियां सर। कितनी लाशें गिर गईं? 2 लाशें सर। इस 8 मिनट में बोस वॉज इन एक्शन, ऐसा लॉग बुक में इसी वक्त एंटर करो। दिस केस इज क्लोज्ड। डिस्पोज द बैड लीडर एंड सिलेक्ट अ गुड लीडर।